بسم الله الرحمن الرحيم بنو سما کی آواز کا سفر پہلے رمضان سے ہی اب تک گزرا کافی سہل آج ہمارے ٹاپ 32 راؤنڈ کا ہونے جا رہا ہے اختتام मगर ये सफर ऐसे ही कामयाबियों के साथ रहेगा जारी और सारी। बनो समा की आवाज के टाइटल जीतने वाले को मिलेगी हबीब ऑयल की तरफ से गाड़ी, सेकंड प्राइज बैंक अल्फला की तरफ से 125 बाइक और थर्ड प्राइज है हायर अप्लायंसेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। अब आगे देखना ये है कि कौन हकदार बन पाता है बनो समा की आवाज के टाइटल का। तो देखते रहिए सुबह सहरी समा के साथ। रद्दी वाला रद्दी ले लो, रद्दी ले लो, रद्दी वाला है या रद्दी वाली। रद्दी वाला रद्दी ले लो। अरे मामू, लोग रद्दी बेचेंगे तो लेंगे क्यों, अपना नारा तो ठीक कर लो। मामू लग रहा चलो निकलो बदतमीज। आप लोगों को मजाक का मतलब मालूम है? जिस मजाक में किसी की बेइज्जती हो या उस मजाक से किसी को तकलीफ हो वो मजाक जायज नहीं होता। आप लोग मदरसे में पढ़ते हैं ना, क्या आप लोगों के मदरसे में बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाई जाती? झुकाओ नजरे, बिछाओ पलके, अदब का आला मुकाम आया। ज़ही मुकद्दर फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी है तेरा माया। ज़ही मुकद्दर हुजूरे हक से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नजरे, बिछाओ पलके, अदब का आला मुकाम आया। ज़ही मुकद्दर। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आवाज़ बैठी हुई थी मगर मैंने सोचा कि आज नात से जो है मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं, और हमेशा से कोशिश होती है कि ऑडियंस के बीच में बैठ के आप लोगों के साथ नात पढूं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे ऐसी बहनें हैं जो नात बहुत खूबसूरती से बड़े अकीदे के साथ पढ़ती है। खैर, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मैं फिर आपको बताती हूँ आज हमारे प्रोग्राम में क्या क्या है और कौन हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई जनाब बिलाल कुतुब साहब की जानिब से और फिज़ा अली की जानिब से आपको इफ्तार के समा में खुशामदीद। मगर आज खुशामदीद के लिए एक और पर्सनालिटी है, आप लोग अगर मिलके मेरे साथ दे दें और उनका नाम ले लें, क्योंकि अभी चुप से बैठे हुए मगर जैसे ही मैं उधर जाऊँगी उनके पास जाऊँगी तो वो भी बोलना शुरू कर देंगे, और इतना अच्छा बोलते हुए, कहती हूँ ना हसाना भी एक सवाब है, तो वो सवाब बहुत हासिल करते हैं इस रमज़ान में भी करते हैं कि नहीं। कौन है हमारे साथ मिलके, बोलिए। शकील सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम, खैरियत से आप? आज तो आपने अपनी स्पीड बदल ली, मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज सिर्फ अकेली मैं एंकर तो नहीं। इतने दिनों के बाद एहसास हुआ कि मैं गलत जगह बैठता था, मुझे इन्हीं के साथ बैठना चाहिए। नहीं। अच्छा तो फिर सब वही जगह है। हाँ। वो जरा सा मैं ऐसे ही मैं इनसे कुछ मालूमात ले रहा था। गुफ्तगू शदीद हो रही थी। नहीं, कहीं भी जाओ इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरे जो मेहमान है बिलाल कुतुब साहब, उनसे मैं बात करना चाहूँगी। बात करूँ? तालियाँ तालियाँ होंगी तो सब रोजे रोजे लग रहे होंगे, है ना जी। अच्छा बिलाल सर, ये बताइए सबसे पहले कि आप अपने रमजान को किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से अहतमाम होता है? अच्छा, आज बिलाल भाई मेहमान है? आज मेहमान है। अरे ये अच्छा ये था। तो अरे मैं भी इंटरव्यू ले सकता ना? नहीं, आप हमारी एंकर सीट पे नहीं बैठे हैं, आपकी तो क्लास आज मैं ही लूंगी। देखो हम वो हैं जहाँ लाइन लगाते हैं लाइन वहाँ से शुरू हो जाती है। क्या बात है, सही कह रहे हैं। बात तो सही है। तो आप कैसे एहतमाम करते हैं बिलाल साहब, ये बताइए। मैं रोजे का एहतमाम गम से करता हूँ। मैं हजरत उमर से मोहब्बत करने वाला हूँ। उमर खताब ईद पे रोया करते थे, कहते थे ईद तो उनकी होती है जिनके रोज़े कबूल हों। तो अगर उमर खताब इतनी बात दुआ अल्लाह से करते थे तो बिलाल जो है वो किस हस्ती में है। मैं सिर्फ गम में मनाता हूँ और अल्लाह से हर वक्त दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो तौफीक दे कि मैं वो काम कर सकूँ जो खुदा चाहता है मुझसे। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू दुआ भी मुझसे वो दिलवा जो तेरे यहाँ मकबूल भी हो और तेरे यहाँ कबूल भी हो। इस तीसरा बस गम से गुजर जाता। अब ये आखिरी अशरा आ गया ना, तो अब गम ज़्यादा हो गया। अच्छा, हमेशा वैसे इफ्तार का समा, सहरी का समा आपके साथ सजता है समा टीवी का, तो इस दफ़ा भी आप लाहौर से यहाँ कराची तशरीफ़ लेकर आए हुए इस ट्रांसमिशन के लिए, और माशाल्लाह धूम, एक खूबसूरत, एक मैं आपको क्या कहूँ कि चर्चे हर जगह, मैं कहीं पे भी जाती हूँ। फिजा मेरी लालच होती है बड़ी जी, मेरी लालच है बड़ी, यकीन करो। इस समा पे मुझे दो लालचें हैं। एक तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं मुझे देता, मुझे कोई कुछ नहीं कहता कि क्या करना है, क्या चलता है बड़े मजे से। वो मैं जो चाहूँ मैं करूँ, जिससे जो चाहूँ बात करूँ। आज़ादी है, आज़ादी है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई प्लान नहीं है, कोई लाइन नहीं है कि इसको टो करना है। दूसरे उलमा इकराम के साथ यही 20-30 दिन होते हैं जिनमें बैठ के वाकई जो तजर्बा हासिल करना है इल्म का, उनकी शख्सियत का, वो मौका मिलता है। और ये मौका मैं ज़िंदगी में नहीं खोना चाहता। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मैं मौका नहीं खोना चाहता कि मैं इन लोगों से ना सीखूँ। मैं इख्तलाफात भी इन लोगों से 20-30 दिन में बड़े करता हूँ और मैं इनसे लड़ाइयाँ भी बड़ी करता हूँ, लेकिन मैं इस मान पे करता हूँ कि यकीन कीजिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कश्कील भाई ये कह रहा हूँ कि आप आज एक सेकुलर प्रोफेसर से लड़े ना तो वो सारी ज़िंदगी बुग़्ज़ अपने दिल में रखेगा। मैं तालीम से बुग़्ज़ जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे, उसको अल्लाह माफ़ ही नहीं करता। इन लोगों से हर साल मैं लड़ता हूँ, सारा साल इनसे गप्पे मारता हूँ, अगले साल फिर इनसे आके लड़ता हूँ। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हम जितना क्रिटिसाइज़ करते हैं ना अपने उलमा इकराम को, मेरे ख्याल में ये भी हम कुछ हद से ज़्यादा बढ़ते हैं। ये लोग रौनके हैं, ये ना हो तो शायद हमारा जो बिखरने का वक्त है वो ज़्यादा तेज़ हो जाए। मैं बड़ी ऑनेस्टली से ये बात कहना चाहता हूँ, मैं शकील भाई से आज पहली दफ़ा मिला हूँ। मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ हर चैनल पर, जहाँ ये मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, मैं इनको फॉलो करता हूँ। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह कि इनके मजाक के अंदर एक बड़ा ठहराव है। मैं अपनी बीवी के साथ बैठ के इनका मजाक जो है ना वो देख सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान की तरफ से। और आज इनका ना एक और ही रंग है, ये लोग जो है ना ये 12 इंच और 24 इंच की स्क्रीन पे ना ये नहीं देख सकते। जो अंदर का शख्स होता है ना, खुदा की कसम और ही होता है। अभी जो 10 मिनट मिले थे ना, यकीन कीजिए कि यहाँ पे इनके पास ये 10 मिनट जो गुजरे हैं ना, इनमें से 10.5 मिनट 15 सेकंड निकाल रहा हूँ बैठने के, मेरी तालीम थी। मैंने यहाँ बैठ के सबर सीखा है, खुदा की कसम। मैंने यहाँ बैठ के शकील का वो एक आदमी देखा है जो अंदर से कितना संजीदा है माशाल्लाह, और दुनिया को किस तरह से देखता है। अब मैं इनसे पता क्या जानना चाहूँगा कि जब इंसान इतना ज़्यादा कामिल हो अंदर से जी, और वो लोगों को जब हंसा रहा हो उनकी खुशनुदी के लिए, तो अंदर से टूटता भी है या नहीं? क्या बात है भाई, ये तो सवाल हो गया आपके लिए, जवाब दें। बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, लेकिन यानी जो हंसाने वाले लोग होते हैं ना वो अंदर से बहुत दुखी होते हैं, और जितना वो दुख को समझते हैं ना उससे ज़्यादा ही हंसाते हैं, उतना ही ज़्यादा हंसाते हैं, क्योंकि इतना दुख से गुजर चुका होता है। मगर इतना दुख पीने के बाद आप किसी को हंसा, मतलब मुझे ये थोड़ी सी, मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ ना, एक जोकर की जी। एक शख्स गया डॉक्टर के पास, उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, उसने अपनी बीमारियाँ बताई। तो डॉक्टर ने कहा तुम सर्कस वगैरह देखते हो? बोला नहीं। बोला अच्छा एक काम करो, सामने एक सर्कस है, वहाँ पे एक जोकर है, तुम जाओ उसको देखो, तुम फ्रेश हो जाओगे। कहता वो जोकर मैं ही हूँ, वो जोकर मैं ही नहीं, वो जोकर वो अंदर से इतना टूटा होता है
कि वो लोगों को हंसा रहा था लेकिन उसका गम कोई नहीं देखता। जितने भी है ना, जितने कॉमेडियन है उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत दुख है। अच्छा वैसे अब मैं ना यहाँ पे बहुत दुखी हो रही हूँ। हाँ जी मैं दुखी हो रही हूँ और वहाँ भी बहुत से लोग दुखी हो रहे हैं। एक बात जो है ना वो हदीयतन कह रहा हूँ ये बात, और ये मैं बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ शकील भाई कि मुझे इसका अजर और मुझे इसका सवाब भी मिले। जिंदगी में मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत ना मिसाल दी, एक मैं कहूँगा कि शकील भाई दे, एक मैं इनकी तरफ से दे रहा हूँ जो इन्होंने मुझे समझाई। जी बिल्कुल। एक ऐसी माँ जिसको कि हम जमीन कहते हैं, धरती हमारी माँ है, जो हमारी माँ को भी पालती है, हमें जमीन पे चलना सिखाती है, हमारे गंद को गिरता हुआ बर्दाश्त करती है, फिर हम जब इस पे चलते हैं और चलना सीख जाते हैं, फिर हम इसी जमीन पे कदम मार के भी चलना सीखते हैं, फिर हमारे में एक तकब्बुर आ जाता है, बेशक, वाकई, फिर इसी के हम टुकड़े टुकड़े करके इसके प्लॉट भी बांटते हैं नाजायज तरीके, से और यहाँ इसी वो यही वो हमारी माँ है जहाँ पे हम इज्जतें लूटते भी हैं और लुटवाते भी हैं। हम यही जमीन है जिनकी कब्रों को खोद के मुर्दों की आबरू को भी खराब पैमाल करते हैं, और यही वो जमीन है जो आखिर में आपको आखिर में अपना ही सीना खोलती है और आपको अपने अंदर गोद में वापस ले लेती है। बिलाल भाई बहुत ये मिसाल पता क्यों दे रहे थे? ये सब्र है, ये सब्र है जो हमें इस जमीन से सीखना चाहिए। क्या बात, और जब इसका सब्र का पैमाना लबरेज होता है तो फिर जलजला आता है, फिर वो उड़ रहा होता है जमीन, वो गुस्से में होता है, उसके आप बताओ फिर नहीं मिलते। आपको पता है मैं भी बहुत सबर कर रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है और कहीं मेरी ऑडियंस अगर रो गई ना, आइए जरा सुनो मिलना है अच्छी कर रहे हैं आते रहेंगे ना। नहीं नहीं आपको मिलना है मेरी ऑडियंस से, मैं तुम्हें एक मिसाल और दूँ, मैं मिल रहा हूँ जाके, मैं उनके घर जाके मिल लूंगा, सबका एड्रेस ले लेना, बुला रही आपको, आ जाइए, आइए बिलाल भाई। मैं तुम्हें एक बात और बताऊँ, ये तो जमीन का सबर था, पानी का भी सबर। अच्छा पानी जो आप पैदा होते हैं तो आपको पाक करती है आती दुनिया में, बिल्कुल, और जब मरते हो तो पाक करके बेचती है, बिल्कुल, लेकिन इसी पानी को कहीं दूध में मिला के बेचा जा रहा है, अल्लाह माफ, कहीं नशा में मिला के पिया जा रहा है, वाकई सही कह रहे हो, ठीक है ना, जब इसका पैमाना लबरेज होता है तो फिर सुनामी आता है, बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो बहा के ले जाता है, असल वाला सुनामी है, दूसरे पे भी राय लेनी है, बिल्कुल सुनामी लफ्जी बुरा है, लफ्जी बुरा है, इमरान खान साहब अगर कहते हैं तो ना कहा करें हर वक्त, क्योंकि कबूलियत की घड़ी भी होती है, उनके वजह से हम सब सफर ना करें। कितनी सही बात बोली है, कबूलियत की भी घड़ी होती है। अच्छा जी ये आपकी ऑडियंस है, आइए बिलाल भाई आज आप भी मिजा कीजिए। अच्छा इनके साथ मिलकर आपने, हर आदमी के अंदर कॉमेडियन भी होता है, बता दूं आप, सही बात, बच्चा भी होता है, बच्चा भी होता है, बच्चा उसको बूढ़ा नहीं होने देना। अच्छा मुझे एक तो हैरत ये हो रही है कि अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है मगर आप हंसना पहले से शुरू हो गए, क्यों भाई ये क्या वजह है? लगा मैंने मेकअप भी कराया है। अच्छा सवाल करूं? नहीं नहीं आपने सबसे पहले तो ब्रेक पे भेज रहे हैं और जी ये आपका कैमरा है और सबके साथ मिलके आप साथ देंगे शकील भाई का मिलके इफ्तार के, ये नहीं पूछूंगा रोजा किसका किसका है। पता ये बुरी बात है क्योंकि मेरा नहीं है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, देखो कोई इतना बड़ा दिलेर होगा, मुझसे किसी ने कहा कि आप कह दो, मैंने कहा कह दूंगा, बोले वजह, मैंने कहा वजह जब मैं अल्लाह से पर्दा नहीं करता तो बंदों से क्यों डरूंगा। जाइए ब्रेक में और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर इनके साथ इंशाल्लाह थोड़ी सी ईद के हवाले से चिट चैट होगी, मस्ती होगी, ठीक है बच्चों के साथ। आप लोग क्या देख रहे हैं मिलके बोलिए, स्टार का जीतो रमजान के लिए ताबुन किया है, कैचअप जरूरी है, खुश आमदीद और हम खेलने जा रहे हैं क्या जीतो रमजान। अच्छा जी जीतो रमजान, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मेरे साथ बिलाल भाई, अगर शकील भाई जो हैं आज मुझे मिल जाएं थोड़ी देर के लिए, मैं इनके साथ मुझे मिल जाए, मैं किराए की साइकिल हूँ। अरे आ जाए ना शकील भाई, आ गया, आ गया बिलाल भाई, आ गया।
क्या कर रहे हैं? सवाल करना। मेरी बात सुने। सवाल मैं करना? जब वहाँ पे बैठी थी गेस्ट रूम में तो वहाँ पर आके तो आप मुझसे सवाल सवाल कर रहे थे। मैं इनसे सवाल कर लेता हूँ। हाँ, मगर मैं बता दूँ आपका सवाल किसके, मतलब आपको क्या मिलेगा अगर आप मुझे हायर का टोस्टर जे डॉट और बाउंसर। ठीक है, चलो भाई आप बेटा आप खड़े हो, बताओ 7 साल के बाद बिल्ली क्या होती है? 7 साल के बाद बिल्ली क्या होती है? बिल्ली क्या होती है? बिल्ली बिल्ली रहती है। आपने सुना हुआ, आपने सुना हुआ है? सुना हुआ है। नहीं नहीं, बिल्ली बिल्ली होती है। नहीं आगे और कोई, जल्दी 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 कोई और बताएगा। बच्चा देगा जवाब, बच्चा बड़े नहीं, बड़े बड़े नहीं, नहीं तुम्हारा आधा जवाब मान लेते हैं। कोई बच्चा बताएगा 7 साल के बाद बिल्ली क्या होती है? आप बताएंगे? बिलाल भाई से पूछो, एक मिनट बिलाल भाई आप बताइए। कोई अंदाजा नहीं। हाँ माइक का आसरा भी नहीं लिया है। ये होती है चलाकी, मुसलमान यहाँ चलाकी दिखाता है। कोई दो कपल मुझे चाहिए, मियाँ बीवी, मियाँ बीवी जिनकी शक्लें मिलती हूँ। आप आ जाए एक और आप आ जाए आपकी बीवी, बीवी घर पे रख के आ जाए। चला है बीवी भी लाइए। आपको इनके लिए तालियां बजाओ, टेंशन साथ लेके घूमते हो। आपकी बीवी है, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कहाँ है? नहीं आ जाए, आ जाए जल्दी, आ जाए जल्दी, आए जल्दी आ जाए। आपके आपके डरा हुआ मियाँ है। अच्छा वैसे बिलाल भाई मुझे हैरत इस बात की, मैं कह रही हूँ कोई दो कपल आ जाए तो मुझे पूछना पड़ रहा है। अब इतने सारे मत खड़े, मैं उनसे पूछ नहीं सकती आपकी बीवी ये वाली है वो वाली है, बोल ही नहीं। अपनी खुद ही पकड़ लो भाई बीवी, अपनी बीवी पकड़ के आ जाए सही। अच्छा जी इधर आ जाए, इस तरफ इधर खड़े हो जाए, इधर खड़े हो जाए, इस तरह जिस तरह मैं खड़ी हूँ, नहीं जिस तरह मैं खड़ी हूँ, इधर आ जाए हजरत, इधर आ जाए। आप पहले भी किसी चैनल में आए हो ना? हैं? नहीं नाम नहीं लो, चैनल में आए हो ना किसी? आपका नाम क्या बेटा? मैं जानता हूँ। आपका नाम मूसा मेमन। आपका? भाई ने बंदा पकड़ लिया। कैसे मूसा मेमन? सरवत। एक और दुपट्टा ये खोल के दीजिए जल्दी से। मूसा मेमन नाम है। जल्दी एक दो दुपट्टे चाहिए मुझे। अच्छा मेमन कंजूस होते ही सही है, बताओ मुआयक बोलो ना। नहीं नहीं किसने कहा? नहीं मैंने एक मेमन को देखा यूं जा रहा था, मैंने क्या हुआ, बोले एक आंख से दिखता है तो दूसरी क्यों खोलूं। मेमन बहुत दिल वाले होते हैं। दिल वाले होते हैं ये तो है। मेमन जब पाकिस्तान बना, मेमनों ने ब्लैंक चेक लिख दिया, बोला बैंक खुद ढूंढ लो। अच्छा शकील भाई टास्क दे दे फिर इनको। हाँ दे दो। टास्क ये है कि ये दुपट्टा आप अपनी बेगम को पहनाएंगे उस तरह जिस तरह नमाज में पहनाते हैं स्कार्फ, पूरा कंप्लीट करते हैं। हाँ। माशाल्लाह जिस तरह पहनी हुई है, पहना हुआ। आप भी इनको पहनाएंगे जिस तरह नमाज में पहनाते हैं, ठीक है? तो और बेगम हेल्प भी नहीं करेंगी, ना बताएंगी, ना चीटिंग करवाएंगी, ठीक है? आपके पास है 30 सेकेंड्स और ये पेल रेफ्रिजरेटर के लिए हो रहा है। अरे क्या कर रहे हो, आराम से भाई। बहुत खूबसूरती से, बहुत नीट तरीके से पहनाना है। भाभी डायरेक्शन दे रही हो। बाल दिखने नहीं चाहिए, एक भी बाल नजर नहीं आना चाहिए। पेल रेफ्रिजरेटर के लिए गेम खेल रहे हैं, अगर एक भी बाल नजर आया सर का तो वो स्कार्फ ठीक नहीं होगा। और तरीके से पहन, ये डायरेक्शन दे रही है, बता नहीं सकती। आप चीटिंग रमजान में चीटिंग कर रही है, इतनी अल्लाह माफ। रमजान गुजर जाने दीजिए, फिर सारा साल रखा हुआ आप लोगों के लिए। वैसे अभी तक जो है, अभी तक दोनों ने एक को तो अंधा कर दिया है, अल्लाह माफ करे इनको, क्या किया। इधर सामने आए, मेरे ऑडियंस को दिखाएं, ऑडियंस को दिखाएं, देखें जी टर्न कीजिए। मेरे हिसाब से तो दोनों को ठीक नहीं पहना है ना। अच्छा अब एक एक करके पूछ लो ना। मेरे ख्याल से दोनों ही फेल है। हाँ, दोनों लोगों से फैसला करा लें कौन किसने बेहतर पहना है। इनका बताइए, इनका इसलिए अच्छा लग रहा है चेहरा है। और इनका बताइए, मेरे ख्याल से आधा आधा कर दो जी, पेल का नहीं मगर हायर का रेफ्रिजरेटर दे देते हैं आपको। मुबारक हो जी। और आप भी ऐसे नहीं जाएंगी क्योंकि आप जा ही नहीं रही हैं, तो हम आपको क्यू मोबाइल दे देते हैं जी, ले जाइए। थैंक यू, हुआ ठीक है, तालियां होनी चाहिए। अच्छा जी शकील भाई आप पूछ रहे सवाल या मैं पूछूं? अच्छा जी एक सवाल मैं पूछता हूँ,
तीन चीट अपने मैं बता दूं किस हाँ। क्या मिलेगा हाँ। अगर इस सवाल का जवाब दिया आप लोगों ने तो आपको मिलेगा हायर आयरन हार्डीज के वाउचर कार भी दे सकती हूं और ये डॉट का गिफ्ट हैम्पर। चीटियां जा रही चीटियां कुछ जा रही हैं आगे वाली चीटी कहते मेरे पीछे दो चीटी पीछे कुछ चीटियां जा रही लाइन से आगे वाली कहती मेरे पीछे दो चीटी पीछे वाले कहती मेरे आगे दो चीटी बीच वाली कहती मेरे आगे दो चीटी मेरे पीछे दो चीटी जवाब कितनी चूटियां कौन माइक पास कीजिए जल्दी जवाब है इसका बच्चा नहीं देगा बड़ा कोई जवाब दे कुछ चींटियां लाइन में जा रही जल्दी बताइए हैं आप चूटी झूठ बोल रही हैं मैं झूठ बोल रहा हूं चूटी बताएं तो कौन चूटी झूठ बोल रही हैं कौन सा बीच वाली चूटी झूठ बोल रही है मेरा सवाल गलत है सवाल नहीं बीच वाली झूठी है ज़्यादा अच्छा जवाब था शकील भाई बहुत अच्छा जवाब था बिलाल भाई एग्री मेरे ख्याल से हाँ यही है जवाब यही है हार्ड इज वॉच और आपको जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाए अच्छा एक टंग ट्विस्टर है मगर देखे ना मुश्किल टास्क आप लोगों को दे रहे शकील भाई हम मुश्किल अब ये देगी मुश्किल तुम्हें पता लगेगा मेरी बात सुनो मेरा साथ दो और अब हम शकील भाई को टास्क दे रहे हैं अरे नहीं मेहमान बचाना नहीं है उनको हाँ मेरा साथ मिलके दो अभी हम अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई ठीक ठाक आप कैसी हैं ठीक हैं वाह जी ठीक ठाक एक्चुअली आप समा फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं अब आप ऐसी हैं जो जानते हैं और आपके पता शो इनकम्प्लीट होगा परफेक्ट लगे पता है क्या नाम लेना या नाम ना लेना एक ही बात है मैं ऐसे ही आता हूँ सीधा आपकी फैमिली दिल में घर कर लेता हूँ बिल्कुल दिलाल भाई लोग अपने घर में घुस जाते हैं ना सीधे बस अमजद से सवाल है और इस पे इनको ना हैम्पर दीजिएगा कि आपने कभी किसी से पूछ के भी दिल में घर किया मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि मैंने घर करना है आज इतना बड़ा घर मिल जाता है ईमानदारी से जवाब दिया वाह मैं हमेशा पूछ लेता हूँ मेरे साथ आप लोगों ने मेरा साथ देना है क्योंकि अब यहाँ पे दो गेस्ट हैं हमारे और इन लोगों से मैं टंग ट्विस्टर कराने वाली हूँ टंग साथ होंगी और देखते हैं कि अमजद भाई कर सकते हैं या शकील भाई कर सकते हैं साथ है वो अमजद कर लेगा भाई टास्क आप पहले पूरा करेंगे आपने जल्दी जल्दी बोलना है 10 मरतबा हरी रेल लाल रेल टाइम स्टार्ट होता है अब हरी रेल लाल रेल हरी रेल हरी रेल लाल रेल अब शकील भाई हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी रेल काम करो सुनो बिलाल भाई को क्यों बख्श रही हो इनसे करवाओ मुझे एक ही रंग देना देखो पता क्या ये बिलाल भाई से लाल रेल करवाइए बिलाल भाई से करवाइए प्लीज हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल ऐसे ना ये बोलूंगा बिलाल भाई हरी रेल लाल रेल हरी रेल लाल रेल जल्दी जल्दी जी मेरी वाली चलती है इस तरह हाँ चलती है आपकी तो तेज गाम है अच्छा आपके पाकिस्तानी पाकिस्तानी तो चल ही नहीं रही है हाँ वाह वाह तालियां होनी चाहिए जबरदस्त अच्छा अब शकील भाई कोई सवाल ठोक कीजिए आ जाइए सवाल ठोको ठोके सवाल ठोके आप ठोक कीजिए नहीं पहले तालियां ठोके फिर सवाल ठोकेगा तीन भाइयों वाला सवाल कीजिए ना जो हमने पूछा था एक्वेरियम में मछलियां होती है ना दो मछलियां तैर रही है कैसे पता लगेगा कौन सी नर है कौन सी मादी है हां ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है तो कार मिल सकती है इस पे हां एक मिनट रुको हां बेटा बताओ केंद्रीय लड़की है ये जवाब है क्या बात है क्यों सवाल है जवाब है जो तैर रहा है वो लड़का है जवाब नहीं है क्या जवाब है बहुत अच्छा हो गया है ना और क्या चाहिए लूट लो आज अच्छा यार देखो पता क्या बड़ा प्यारा सवाल है हार्डीज की डील है लाल किला के वाउचर्स हैं दो अब तो मैं एक सवाल कर लूं इनको जरा सा सच्चे पंच मेरा सवाल है यार मेरा सवाल अच्छा चलिए पहले आप अच्छा मेरा सवाल है सिर्फ लेडीज से क्या दे कह रहे हैं हम इसमें हम दे रहे हैं हार्डीज की डील दो और लाल किला के वाउचर जो लाल किला के खाने पीने की चीजें लेकिन लेडीज के लिए अगर आप लोग बहुत सारी चीजें शॉपिंग करके आते हैं जैसे आपने जूते भी लिए आपने कपड़े भी लिए तो सबसे पहले घर में आके क्या चीज रखते हैं
आपको दे देंगे हार्डीज की डील और लाल किला के वाउचर आपके हुए। अच्छा मुझे बताइए कर्शी के आयरन के लिए सवाल है, उस ड्राई फ्रूट का नाम बताएं जो इंसानी दिमाग की तरह है। उस ड्राई फ्रूट का नाम बताइए जो इंसानी दिमाग की तरह है। आप बताओ। अरे भाई आपका हुआ कि आयरन आपकी हुई। मच्छर की कितने दिन की जिंदगी होती है? नहीं अबे क्या हो गया? नहीं नहीं चीटिंग नहीं। अच्छा इसके इसमें कोई इनाम नहीं है? खामोशी जाएंगे सारे सारे खामोशी जाएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, जिन जिनको गिफ्ट दिया उनसे पहले तो छीन लीजिए, वापस ले लीजिए क्योंकि तालियों की आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा वो भी तैयार है। एक काम करते हैं, अच्छा मुझे दो कोई भाई आ जाएं, कोई भी। अच्छा भाई कल्लू और एक भाई और, एक भाई और अपना फिजा। आपको तो मैंने बुलाया नहीं, इनको बुलाया है जी। एक भाई और फिजा, भाई और नहीं आप आ जाए जल्दी 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 जल्दी। कल्लू के दो भाई। अच्छा कल्लू के दो भाई आपने एक नाम और आपने जल्दी 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 जल्दी। ये क्यों मोबाइल के लिए एक्टिविटी हो रही है भाई? आप तो कूद भी नहीं पा रहे। आपकी जो भी बेगम है आपकी जो वो उनको उनको रास्ते में इतना रोक लिया है, प्लीज उनको जगह दे दे, रास्ता दे दे, ये ट्रैफिक नहीं है। आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा आप लोगों ने करना ये यहाँ पर कि क्यों मोबाइल के लिए एक्टिविटी है। आप पठान हैं क्यों मोबाइल? ट्रक कंडक्टर जैसे होते हैं ना, बस कंडक्टर ट्रेन कंडक्टर उस तरह से आप बस के कंडक्टर हैं। ठीक है इधर आके खड़ा जाए जल्दी से। और अगर आपने और इसका सही जवाब दे दिया तो आपको आपके साइज की पेंट की बेल्ट मिलेगी। मिजा मैंने कहा था ना हर आदमी के अंदर एक कॉमेडियन होता है। हाँ जी मिजा होता है। मिजा नहीं हो तो आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। और आप पैसेंजर ना हो तो वीजा ना हो तो सेट बर्बाद है। और आप पैसेंजर हैं, आप जो हैं बिना टिकट के सवारी कर रहे हैं बस में, और आप जो हैं पठान हैं आप लड़ रहे हैं अपनी लैंग्वेज में अपने स्टाइल में, तो कि टिकट नहीं है तो उतर जाओ। अब आप दोनों की लड़ाई शुरू होती है। नहीं उतरना नहीं उतरना भाई, तुम्हारे पास टिकट नहीं है तुम उतरो यहाँ से। अभी तो दिया था टिकट तुम्हें मैंने। तुमने कब टिकट दिया? तुम दिया था तुम्हें टिकट मैंने। तुमने टिकट दिया ही नहीं है, तुम अभी चढ़ा है, तुम जब से बैठा हुआ है। बिला वाचर मेरे पास वाउचर है, ये देखो तुमने टिकट दिया है मुझे। ये वाउचर तो हम लेता ही नहीं है, हम तो टिकट लेता है। हम टिकट दिया नहीं है तुमने। तुम मुस्कुरा रहे हो भाई पठान, मुस्कुरा क्या देते हो? पठान क्यों नहीं मुस्कुराता? टिकट लेके पैसे नहीं दिए भाई, क्या देते हो? पठान की टोन भी नहीं आ रही है, खोजे। अरे पठान की टोन निकाल लो बाबा, क्या हो गया? भाई पूछा तुम पैसा वो तो दो ना। ये महाजीर की आवाज है, महाजीर की। तुम टिकट विकेट दो ना, टिकट कर चलो। हमने बोला था तुमने बोल जाएगा। काम करते हैं इनको लड़ने देते हैं। आप तो लड़े, आप तो लड़े, आपका तो हाँ हाँ सकिए सर में तुम्हें दिया था यूपी बोर्ड जाना। समा सहारा के लिए ताबुन किया है चटपटा और दोबाला शान चाट मसाला। समा सहारा में आज जो हमारे पास केस है वो है सलीम साहब का, और वो अपनी फरियाद हमारे पास लेकर आए, आप लोगों के सामने आज लेकर आए। वो अपनी बच्ची जो कि सायरा, उसकी उम्र है 10 साल की और उसके लिए काफ़ी परेशान है। तो अभी उनसे ही पूछते हैं कि क्या मसला है, और साथ साथ हमें डॉक्टर बारी ने भी ज्वाइन किया इंडस हॉस्पिटल से, इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब जी। आपकी बेटी सायरा जी जी, और कितने बच्चे हैं आपके? दो बेटे गए हैं, एक घर पर है छोटा। अच्छा दो बच्चे ये हैं? हाँ, एक घर पर है बेटा जी। इन दोनों से छोटा है? हाँ नहीं, वो 8 साल का है, वो जुड़वा हुआ थे, एक बहन को दे दिया तो उसके औलाद नहीं। अच्छा वैसे आपके 4 बच्चे हैं? बहन को क्यों दे दिया बेटा? उसके औलाद नहीं हुई थी।
अच्छा। तो बहन को दे दिया था मैंने, पैदा ही होते दे दिया था। अच्छा सलीम साहब आप दर्जी का काम करते हैं? नहीं, हौदरी में जी? लोकल हौदरी होती है ना, बच्चों के सूट वगैरह जो सिलते हैं। जी जी जी, तो सिलाई का काम करते हैं जैसे ऐसे सूट वगैरह बनियान वगैरह जो बच्चे। अच्छा, कितना कमा लेते हैं आप? महीने में 6-7 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ। मैं भी बीमार रहता हूँ। क्या हुआ है आपको? मेरा दिल का मसला रहता है कुछ। हाँ। अभी तकरीबन 14 साल पहले गिर गया था, टांग में तकलीफ रहती थी। अच्छा, अब ज़्यादा होने लगी। और आपके घर में आपकी बेगम? जी वो है, वो है, वो घर आपका अपना है? नहीं, वो किराए का। मैं 40-45 साल से किराए पर ही। कितना किराया दे रही है? हम देते हैं 3,500 गैस बिजली सभी। तो आपके पास सिर्फ तकरीबन 3,500 रुपया बाकी बचता है घर चलाने के लिए। बच्चे तालीम पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं? ये गवर्नमेंट में दाखिल करा बिल्कुल। और दूसरे बच्चे? वो भी गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। घर का किराया चलता है, सिलसिला चल जाता है, किचन चल जाता है, खाने पीने का सिलसिला हो जाता है? हाँ भैया, के महीने में एक दफ़ा गोश्त वगैरह पका लेते हैं बस, जैसा थोड़ा बहुत। जैसे महीने में एक दफ़ा गोश्त वगैरह पका लेते हैं? या ईद पे पकेगा? हाँ, जब आएगी अगर कहीं से आ जाता है। अभी जैसे रमजान आए ना, अभी तक कोई फ्रूट नहीं लिया, सिर्फ एक दफ़ा खरबूजा केले खरीदे थे, महंगे थे ना तो कैसे खरीद। अच्छा, आप बच्ची की सेहत को लेकर काफ़ी परेशान हैं, क्या हुआ है सायरा को? ये जब पैदा हुई थी ना तो यहाँ हुई थी दाई के घर में, अस्पताल में नहीं हुई थी। अच्छा, तो इसका जो है ना 20-25 मिनट बाद ये रोई थी, तो उसको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिला था। ठीक है, तो इसके जो दिमाग के रह गया ना, वो डॉक्टर कहते हैं अंदर से वो उलझ गई है बिल्कुल। अच्छा, अब इसका काफ़ी इलाज कर रहे हैं। दिमाग की रगे उलझ गई है? उलझ गई है वो। अच्छा, ये जबान इसकी तो ये अगर आपको आपने बोलेगी तुमको बोलेगी, इसके जो लत साफ नहीं बोल सकती, नहीं सही नहीं बोल पाती है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम होती है, तकलीफ? ये गिर जाती है, इसकी टांगों में तकलीफ रहती है, चलते चलते गिर जाती है, गिर जाती है, बाथरूम वगैरह में बैठती है तो लुढ़क। अच्छा, आपने जितना भी अभी तक इलाज करवाया, आपको क्या समझ में पड़ा कि इसका मसला क्या है? डॉक्टर कहते हैं जब तक हयात है तो इसका इलाज चलता ही रहेगा। वो क्या इलाज है जो चलता रहेगा? दवाइयाँ वगैरह पर चलाएं और इसके जो खाने पीने की ग़िज़ा का इसका ख्याल रखें। मगर इलाज किस चीज़ का? अभी तक मुझे बीमारी समझ नहीं आई। ये है दिमाग की रगें उलझ गई हैं और मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही ये बीमारी क्या है या मसला क्या है। बल्कि ऐसा करते हैं कि डॉक्टर बारी साहब के सामने रखते हैं, डॉक्टर साहब को कहते हैं कि डॉक्टर साहब इनको देखिए, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, अभी कल टेस्ट करवाएंगे। डॉक्टर साहब ये मैं आपके पास रखता हूँ। जी भैया, कोई फिट्स वगैरह भी पड़ते हैं, कोई तकलीफ भी? हाँ, इसको झटके भी पड़ते हैं। झटके पड़ते हैं किस किस्म के? क्या एकदम ना अकड़ जाती है? ये अपने आप में नहीं रहती, अकड़ जाती है। हाँ, अपने आप में नहीं रहती। वही तो कह रहे हैं कि अकड़ जाती है, अपने आप में नहीं रहती। अच्छा, ये छोटे बड़े को नहीं देखेंगी, फेंकेगी, मारेगी, मर जा, दफा हो जा, ये हरकतें कर। आप दौरा किसको कह रहे हो? कि जब गुस्सा आ जाता है इसको? हाँ, जब गुस्सा आ जाता है इसके खिलाफ कोई काम कर दो, अगर इससे कोई ये काम नहीं करो। अभी आपने बोला ना अकड़ जाती है, ऐसा अकड़। हाँ, ये अकड़ जाती है गुस्से, वो है उसको दौरा कहता है। गुस्सा तो उसका ऐसे ही आता होगा, अपनी बीमारी से परेशान होकर शायद आता होगा। हाँ, आप जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो आपको बीमारी का कुछ बताते नहीं? नहीं, बीमारी का नाम क्या है, क्या कहते हैं इसको? वो ये कहते हैं कि अगर ये सेहतमंद सही होती तो इसका तो ऑपरेशन होता दिमाग का। हाँ, लेकिन आपको बीमारी क्या बताते हैं? वो ये बोलते हैं दिमाग जो है ना इसका जी, ये वो नशे जो उलझ गए हैं वो, इसको बस ये बता। हाँ भाई, ये बता इस बेटी का क्या नाम है? बेटा नाम क्या? नाम बता। क्या नाम है? सायरा। इसको बोल देना। अच्छा, क्या नाम है? माइक दीजिएगा मुझे। सायरा नाम है। आप स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में जाती हो बता? केजी में जाती हो। आपको अपनी मिस का नाम याद है? मिस का नाम याद है टीचर का? माइक मुझे दे दो बेटा, इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरा बेटा। ये 10 साल की है? जी जी, आ जाओ। अब बताओ बीमारी की वजह से ना। हाँ जी, क्या नाम है? सायरा। सायरा, पढ़ती हो अब? कहाँ पे? केजी टू में। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आता है आपको क्यों? अभी तो नहीं आ रहा। क्या बनना चाहती हो बड़े होके? क्या बनना है? टीचर बनना है। वही बड़े होके टीचर बनना चाहती। क्या खाती है शौक से सायरा? क्या खाती है? बिरयानी खाती है। किसके आती है? मामा की, अम्मी की आती है? अब्बू के भी आती है। आप भी पकाते हैं खाना? कभी कभी बना लेता हूँ मैं, कभी कभी बना लेते हैं। अल्लाह की प्यारी है तो शायरा, तो बहुत बारिश है। डॉक्टर साहब अगर देखी हो तो रिपोर्ट, इसका इशू क्या है बेटी का? बेसिकली ये एक बच्चा होता है सी पी चाइल्ड, सर्वल पालसी।
जो ऑक्सीजन नहीं मिला जी जी पैदाइश के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए ब्रेन को तो इनके बच्चों का ब्रेन छोटा रह जाता है उनकी फिर ग्रोथ रिटार्डेड होती है। वो बता रहे हैं ना कि वो डॉक्टर निदाई के वहाँ पैदा हुई है तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन सिस्टम वगैरह तो अवेलेबल होता ही नहीं है। मिडवाइफ जो होती थी पहले ये सारे बच्चे पहले हॉस्पिटल में तो 30 साल पहले देखे तो नहीं होते थे। आजकल ये जो मिडवाइफ हैं इनको इस बात का इल्म नहीं है कि ऑक्सीजन बच्चे को फौरन मिलना है। बस जो घरों पे है उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा सर 25 मिनट तो बहुत लंबा अरसा है बहुत लंबा अरसा है बच्चे के लिए कि वो ना रोए और उसके लिए और कुछ उसकी वजह से जो इसको फिट्स पड़ते हैं वो बेसिकली मिर्गी के दौरे होते हैं। अच्छा। वो दवाइयों से कंट्रोल होंगे। अच्छा। इसको कंटिन्यूस एक जिंदगी भर खाना पड़ेगा। मगर डॉक्टर भारी ये एग्जैक्टली बीमारी इसका क्या नाम होगा कोई बीमारी तो होगी ना? सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं बेसिकली इसी को सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी जो जिसमें जो इसमें जो ब्रेन की ग्रोथ है वो कम रह जाएगी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ क्योंकि इसको उस वक्त ऑक्सीजन कम मिली है। तो इसीलिए जब कहते हैं कि ये गिर जाती है चलते हुए तो ये भी मसला सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ कम है। इसमें भी है उसमें फिर इसको करेक्टिव चीजें करनी पड़ेंगी और इसको क्या ऐसा करना पड़ता है अगर ये बच्ची थोड़ा सा बेसिकली कुछ बच्चों में वो कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं वो डेवलप करना उसको रिलीज करने पर उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी जब तक जिंदा है इसका इलाज चलता है। लेकिन आप इसको सपोर्टिव भी देते रहते हैं सारी जिंदगी। थेरेपी देनी पड़ेगी और सपोर्टिव की दवाई देनी पड़ेगी जो चीज़ें डेवलप होंगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज कितनी होती है सीपी चाइल्ड? सीपी चाइल्ड एग्जैक्ट मुझे क्योंकि मेरी फील्ड इतनी है नॉट से लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं नॉर्मल से कम ही होती है डेफिनेटली। अच्छा। लेकिन इसको सारी जिंदगी आप सपोर्ट चाहिए अपने नॉर्मल काम करने के लिए भी घर में किसी भी किस्म लेकिन इसमें भी कुछ डेवलप हो जाते हैं स्कूल्स हैं जहाँ पर ये ट्रेन हो जाते हैं उनको करके और कुछ लोग अपना डे टू डे काम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली लेकिन डॉक्टर साहब वो तो जाती गवर्नमेंट स्कूल में है ये स्पेशल स्कूल में जानी चाहिए बच्ची? स्पेशल स्कूल में जाना गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना चाहिए। किस तरह के स्कूल होंगे जो इसके सपोर्टिव स्कूल्स होते हैं? अच्छा यहाँ पर गुलिस्तान जौहर में एक अच्छा स्कूल है। डॉक्टर साहब जो ये स्कूल हैं जाहिर है बाकी स्कूल भी पाकिस्तान में बड़े कम है ये स्कूल तो और भी ज़्यादा कम होंगे बहुत ही कम होंगे। क्या इन स्कूलों में जाना एक शख्स जो कि 6,500 रुपया कमा रहा है और उसके 3 बच्चे हैं क्या वो अफोर्ड कर सकेगा इसको? मेरे ख्याल में वो जो गुलिस्तान जौहर है वो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट अच्छा सेटअप है वहाँ मेरे ख्याल में कोई उसमें चार्जेस भी नहीं है। डॉक्टर साहब इसमें एक अवेयरनेस का भी इशू है कि जनरली पब्लिक को अवेयरनेस भी नहीं है बिल्कुल कि इस तरह के स्कूल जो है वो होने चाहिए। बिलाल भाई याद है हमारे पास ऑडियंस में भी एक केस आया था जिसको बच्चे को लेट ऑक्सीजन सप्लाई मिली थी तो वो बच्चा जो था वो छोटा ही रह गया था मतलब वो 15 साल की उम्र का था मगर वो लग 2-3 साल। ये सब शायद इतना डिफरेंस है कि आपको कितनी कम ऑक्सीजन मिली है उस बच्चे को बहुत कम ऑक्सीजन मिली होगी वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाया वो 10-12 साल का बच्चा था लेकिन सिर्फ गोद में था। ये 10 साल की बच्चे ये भी अंडर नरिश्ड लगती है अंडर नरिश्ड है इसको फर्दर इवैल्यूएट हो सकता है इतनी छोटी नहीं है और जी उसे है रह गई छोटी लेकिन इतनी नहीं है 10 साल की लग रही है ना। अच्छा डॉक्टर साहब एक हम लोग जरा वक्फे पे जा रहे हैं वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपसे जरा जानेंगे कि कौन सी ऐसी थेरेपी है जो उसको रिक्वायर्ड है तो एक वक्फा उसके बाद आप हमारे साथ शामिल रहिएगा। कौन सी थेरेपी की जरूरत है डॉक्टर साहब तो डॉक्टर बारी जरा डिटेल बताइए कि ऐसी कौन सी थेरेपी है जिससे ये ठीक हो जाएगी और सारी उम्र उसको देनी है। इस पर ये बच्ची तो मुझे बहुत बेहतर लगती है असल में डिपेंड करता है कि जब ऑक्सीजन की कमी कितनी एक्सटेंड तक है अगर बहुत ज़्यादा हो तो इसकी वेरी करती है एक्सटेंड कुछ तो ऐसे होते हैं बिल्कुल इडियट बच्चे जैसे आप देख रहे हो कि उसके मुँह से पानी लाल टपक रही है और उनको कुछ समझ नहीं आ रही है और कुछ ऐसे होते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो कि मतलब झाड़ चलाते थे। डॉक्टर साहब इसमें माँ बाप के पास भी ये बुनियादी तालीम नहीं होनी चाहिए कि बच्चा पैदा हुआ है वो ख़वातीन है वहाँ पे बच्चे को पहले एक मिनट के अंदर अंदर मार के अक्सर जो उल्टा पकड़ के मार के तो रुलाया करते थे जी जी वो हमारी क्या लोगों को पता नहीं है इतनी बुनियादी बात यह है कि जो
एक कॉन्सेप्ट है ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स का, इन सब को बेसिकली जो हमारे जो माशरा है उससे हम आप जो होम डिलीवरी को आप ख़त्म नहीं कर सकते जी, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को आप ट्रेंड तो कर सकते हैं। बिल्कुल, वही एक प्रोसेस करना चाहिए कि उनको तालीम दी जाए, उनको तरबियत किया जाए ताकि ये चीज़ प्रिवेंट हो। अभी भी वैसे बहुत पढ़े लिखे ऐसे साहिब मतलब हैसियत लोग हैं जो दाई के थ्रू ही बच्चा डिलीवर करवाना ज़्यादा प्रेफर समझते हैं, इसलिए हम अब मकसद ये है कि हम उन दाइयों को ट्रेंड करते हैं जी। डॉक्टर साहब, मेरी अमजद जो भाभी हैं बड़ी, वो अमेरिकन हैं और वो खुद डॉक्टर हैं, उसके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं मेरे भाई के, उन्होंने 5 बच्चे डॉक्टर साहब घर पे पैदा किए, मालूम है माशाल्लाह। नहीं, वो नेचुरोपैथी पे यकीन करते हैं माशाल्लाह, आपके अलावा सभी डॉक्टर हैं। मगर वो भी डॉक्टर है माशाल्लाह। नहीं, मैं वैसे आपको बड़ी बात बताऊं, नॉलेज तो मैं बहुत पहले से थी, बिलाल भाई भी कोई 3-4 साल नहीं मिनट पहले हुई थी। अच्छा, रोजे में झूठी बोलते, इसलिए रोजा नहीं है, मैं दवाइयां खा रहा हूं। मगर वैसे बिलाल भाई की ना शकील भाई नॉलेज बड़ी अच्छी है, ये फौरन जज करके बता देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाके चेक। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, ये जो रोना है बच्चे का, मेरे ख्याल में ये हर माँ को हर बाप को पता होना चाहिए, चाहे वो दाई है या नहीं है, बिल्कुल बच्चे ने रोना है, ये उसकी जिंदगी की पहली कड़ी है। अगर तो यही जोड़े, अगर वो ना रोए, अगर बच्चा पैदा हो जाए और ना रोए, तो उसकी पीठ पे या उसकी कमर पे या कूलों पे थप्पड़ मारो, थप्पड़ मार के उसको रुलाओ, क्योंकि वो रोएगा तो वो सांस इनहेल करेगा, और सांस इनहेल करेगा तो उसको जो चाहिए वो मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फेफड़े होते हैं ना, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो फेफड़े उस वक्त काम नहीं कर रहे, वो माँ की ऑक्सीजन से। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा डिटेल बता दें कि अभी सायरा के इलाज के लिए एक्सपेंस कितना चाहिए होगा, कितना खर्चा होगा, ताकि हम अपील भी करें हमारी आवाम से। जो है फिजियोथेरेपी के लिए जो कॉस्ट आती होगी, ख्याल में 4-5 हज़ार रुपए में पर मंथ होगी। डॉक्टर साहब, पहले ये सारी उम्र तक तो चलना है, तो मतलब 4-5 हज़ार बहुत सारी चीज़, जब एक दफ़ा डेवलप हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो जाएगा, मर्ज कम होता जाएगा। अच्छा, इंडस हॉस्पिटल कोई मतलब सपोर्ट कर सकता है कोई इलाज में बच्ची की? जी, हम कोई मसला नहीं है, मैं इनको न्यूरोलॉजी को अपने दिखा देंगे, हम इनको पहले असेसमेंट करेंगे। जी, असेसमेंट हो जाएगा, इसका क्या असेसमेंट है, इसका आगे क्या करना है जी, और फिर क्योंकि अभी कागज़ देख के, और मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मैं तो कार्डियक सर्जन हूँ जी, इसलिए मैं, मगर हम इंडस हॉस्पिटल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अखराजात और चीज़ें जो है अगर अफोर्ड कर ले, अगर आपकी हेल्प मिल गई, क्योंकि हमें बहुत से ऐसे केसेस आते हैं आगे भी, तो हम आपके साथ रुजू कर सकते हैं, तो हम आपके साथ इस मदद में, अगर आपका काम ही यही है जी। डॉक्टर साहब, वैसे आपको देख के ना, क्योंकि आपने हमारी जितने भी यहाँ पे रोजे गुजरे हैं, आपने बहुत ज़्यादा मदद फरमाई है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। मैं अमजद भाई बड़ी दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ जो सियासतदान और हुक्मरान है ना, उनके दिल भी ना इन डॉक्टरों जैसे कर दे, कई लोगों के मसाइल को उठाएं और अपने पास लेकर आए। ये कमा रहे हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल ये कमा रहे, लेकिन ये वो कमाई जो है वो कहीं लगा भी रहे हैं, लगा भी रहे और वो नजर आ रही है। अपनी दुआ वापस ले लें, नहीं लगेगी, ये नहीं लग सकती, इनको दवा दोनों की जरूरत है। सही बात है। मैं यहाँ पर सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी लोग अभी हमें घर बैठ के देख रहे हैं, और अगर किसी के दिल में वाकई इंसानियत है तो आप कॉल कर सकते हैं, आप इस बच्ची की हेल्प कर सकते हैं। सायरा काफ़ी पेन में है, बाप काफ़ी परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है अखराजात जो हैं वो आपकी भी ज़िंदगी में, हमारी भी ज़िंदगी में, इनकी भी ज़िंदगी में, वो रोज़ मर्रा से बढ़ते जा रहे हैं। 3 बच्चे हैं और सिर्फ 7 हज़ार रुपये सैलरी, और बच्ची के इलाज के लिए हर महीने डॉक्टर साहब ने बताया कि 5 से 6 हज़ार रुपये का। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये होगी फिज़ा के कोई फैमिली जो है ना वो इसको इकोनॉमिकली अडॉप्ट कर ले। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जनाब हम 5 हज़ार रुपया 6 हज़ार रुपया वजीफा बांध, क्या कह रहे हैं भाई? वो यही जो रात को हम जिस तरह अली हसन के लिए बैठे हुए थे और लोग कह रहे थे कि जी हम मंथली इसको हम कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि ये जो बच्ची है और 5 या 6 हज़ार रुपये मंथली, मेरे ख्याल में कोई कुछ भी नहीं है जी, तो अगर कोई मंथली अडॉप्ट कर ले इस बच्ची को तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और 5-6 हज़ार वजीफा बांध दें, हाँ वही 5-6 हज़ार का वजीफा अगर बांध दें इस बच्ची के लिए, और इसका नंबर वगैरह चाहिए हो तो हमारे यहाँ से समा से ले सकते हैं। अमजद भाई, ये 5-6 हज़ार आपके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन इनके लिए ये जिंदगी है, इनके लिए बेटी है, इनके लिए एक बेटी है। ये मैंने उन लोगों के लिए कहा है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं 6-7 हज़ार रुपये मंथली निकालना कोई बड़ी बात नहीं है उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए किसी की जिंदगी है, जिंदगी का सवाल। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा कि इन लोगों का यही साथ जाएगा। मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट करनी है, जो भी है जो कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे कमिटमेंट पता है क्या लेनी है, सिर्फ इस बच्ची का आप जिम्मा उठा रहे हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे कमिटमेंट इससे बड़ी लेनी है।
कि हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत से जो लोग हैं वो आते हैं, आप हमें आज वादा किए और लोगों के सामने वादा कीजिए कि हम जिन लोगों को आपको रेफर कर सकते हैं, सबसे वादा है, सबसे वादा उसका इलाज होता है। वाह वाह, कोई मसला नहीं, वहाँ पर कोई है ही नहीं, जो आएगा बगैर किसी रेफरेंस के उसका इलाज होगा वहाँ। तो जी उन्होंने ये बात भी कह दी डॉक्टर साहब के बगैर रेफरेंस के भी कोई आएगा, रेफरेंस के भी आएगा, अगर होता है कि आपके रेफरेंस जाए या आप लोगों के रेफरेंस जाए, होता ही ऐसा है, अगर वो किसी भी रेफरेंस से जाएगा तो आप इंडस में जाइए और अपना इलाज कराइए। डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हैं, डॉक्टर बारी वहाँ पे माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपका और इंडस हॉस्पिटल का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर अमजद भाई मैं चाहूँगी यहाँ पर आप एक बहुत खूबसूरत और आपकी बहुत मशहूर दुआ है करम मांगता हूँ, अगर अभी इस मौके पर नहीं भले रोज़ाना हो रही है, ये दुआ ऐसी है, ये दुआ ऐसी है कि मुझे लगता है कि अभी हमें इसी दुआ की इतनी सख्त ज़रूरत है कि मगर आपसे रोज़ भी कहूँ तो कम है। इस मुनासबत के हिसाब से आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दुआ करम मांगता हूँ आता कौन जीता?
उठाए, कौन कौन जीता हाथ उठाए, कौन कौन जीता हाथ उठाए। अच्छा आप लोगों ने अब खेल में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना। अच्छा खेलेगा तो मैं बाइक भी दे दूं। तो सवाल कर रही हूं, जवाब जल्दी। वो कौन सा कोर्ट है जिसमें अक्सर वलीमे के दूल्हा जाते हैं और इसमें मिलेगा क्यू मोबाइल? कौन देगा जवाब? कौन सा, हमसे भी पूछ लो यार। पैन कोर्ट। ओके क्यू मोबाइल। अच्छा जी दो मियां बीवी, दो मियां बीवी आ जाएं जल्दी से, सेहतमंद हो, कपल कपल कपल। मोबाइल किसने जीता था, दे दूं तोहफा? जी जी उनको दे दीजिए। अच्छा जी आप लोगों ने, आप दोनों मियां बीवी हैं, मियां बीवी हैं। अच्छा जी करना ये है, ये देखना आपने अपने दूल्हा दुल्हन कच्चा ही तोड़ लिया, तो आपकी सैंडल्स पहननी है और आपका पर्स लेना और वॉक करके दिखानी है, मगर पहले आपकी बेगमात जो है वो वॉक करके दिखाएंगी कि लेडीज वॉक होती किस तरह है, फिर उसी तरह लेडीज वॉक आप दोनों ने करके दिखानी है जैसे आपकी बीवियां करेंगी। जिसने सबसे अच्छी वॉक की उसको हम देंगे हाई का माइक्रोवेव। उधर से चल के आइएगा, जाइए, तालियां होनी चाहिए, आइए चप्पलें भी दिखानी है प्रॉपर जैसे औरतें चलती हैं। आपने आना है और मुझे चल के दिखाना है जैसे औरतें चलती हैं। फिर जिसके मियां साहब अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत अच्छा चलेंगे, आए आए अटक क्यों रही है औरतें जिस तरह चलती है फिजा, मेरे दो बच्चे हैं और मुझे आज पता चला मेरी बीवी औरत नहीं है। मेरी बात एक बात समझ में नहीं आई, औरतों से कह रही है चप्पल खराब हो जाएगी उसकी, तुम औरतों से कह रही है औरतें कैसे चलती हैं, चले लेकिन यार देखो बच्ची चप्पलें खराब हो जाएंगी, इतनी महंगी चप्पलें। कैटवॉक करना बेटा, कैटवॉक। हाय का माइक्रोवेव भी तो दिया जा रहा है। कैटवॉक कैटवॉक करवा रही हो, प्रॉपर बीवी हो तुम लोगों ने, डॉग वॉक करना है। लेकिन यार ये तो आए है चप्पल खराब हो गई बच्ची की, यार देखो चले जी जाइए वहाँ पे और वहाँ से फिर आ जाइए। आपकी बारी, आपका नाम? फैसल। फैसल नबीला। फैसल नबीला आ जाए जी, चलिए फैसल आप। बेटा पैंट झाड़ के पहन लेते ना, ऐसा चलना नहीं पड़ता। हाय 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 वाह वाह। अब मैं आप क्या चलते हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा था दूसरे वाले की ना। नहीं इन घर से सौदा लेने निकले था, ठंडी घूम ठंडी घूम ठंडी। लेकिन अभी अभी हम चलने नहीं आ रहे। देखो कैसे चलती खवातीन इज्जत से। चलो मैं बहुत हो गई, चलो बैठो। मैं तो मरता ना। मुझे बता दीजिए यहाँ ये नाम मुझे दे दो। मुझे बताइए इन दोनों कपल में से जज ये बैठे हैं, हम दोनों ने जेल काटी भी दोनों ने। अच्छा बिलाल भाई बेचारे इस तरह तो जज कर ही नहीं पाएंगे, मुझे पता है, तो बहुत सीधे साधे। आप बताइए तुम लोग अपने इंसाफ से बोलो, तुम जैसे चल के आ रहे थे बेटा, तुम अगर पैंट झाड़ के पहन ले तो सही चलते। अच्छा लेकिन मैं आपको बताऊं, दिखाओ ईमानदारी में बताऊं, दोनों दोनों लड़कों में से किसी ने भी चाल अच्छी नहीं चली, चाल सिर्फ इस बच्ची ने अच्छी चली, इन्होंने भी अच्छी नहीं चली, फिर इस बच्ची ने अच्छी। अच्छा तुम लोगों की शादी को कितना अर्सा हो गया बेटा? 2.5 साल हो गए। अब क्या किसी ने बोला था जरूरी है, मतलब कच्चा बेटा भी हमारा उसको लेकर नहीं। चल बेटा बैठ जा। अच्छा टाइम कम है हमारे पास, हाजी डील जे डॉट और बाउंसर के लिए सवाल है, उस जानवर का नाम बताइए जो रंग बदलता है, कौन बताएगा? अलग से पंचम ना हो गया। हम आप सबको बाउंसर और जे डॉट देते हैं। अच्छा अब एक
ऐसी एक्टिविटी खेलने जा रहे हैं हम यहाँ पर जो कि बाइक के लिए, बाइक के लिए कौन कौन खेलेगा हाथ उठा ले बाइक के लिए। अच्छा कौन कौन खेलेगा मेरे एक सवाल का जवाब दो, कोई भी इनाम दे देना, सवाल वाला जो आप भी दे सकते हैं। जी जी लाल भाई आप भी दे सकते हैं। एक सवाल है, कोई भी इनाम दे देना। दो नकाबपोश जा रहे हैं, दो नकाबपोश जा रहे हैं, एक नकाबपोश दूसरे से, तू मेरी सगी बेटी है लेकिन मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, क्या रिश्ता था? नहीं 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 भाई, सगी बेटी है। देखो पता क्या, हाथ हाथ उठा के जवाब देने, मैं भी जवाब दे सकता हूँ, मुझे शहीद भाई ने बोला मुझे जवाब मालूम है, लेकिन पता क्या अभी मैं नहीं दे रहा, आप लोगों में से किसी ने देना तो हाथ उठा के बोले। चल आप बोलो दुआ दे सकता हूँ सबको दे दिया। मैंने यहाँ पर सबको, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे उनको बाउंसर का और जे डॉट की तरफ से वही तो था तो मुझे पतली दुबली लड़कियां चाहिए, पतली दुबली कमजोर जिनको रोजा लग रहा हो बुरी तरह। नहीं शकील भाई फैसला करिए जल्दी से कि पतली दुबली दो लड़कियां, जल्दी कौन दो लड़कियां ये पत्ली लग रही है पतली दुबली और कोई जल्दी जल्दी आप आ गई थी बेटा, आप आ गई, आप आ गई थी, जो आ गया जो आ गया। चलो आप आ जाओ, ये सबसे पहले तो आप आ जाओ पतली दुबली। हां बेटा यहां बैठ जाओ, पतली दुबली पतली दुबली पतली दुबली, एक और आप आ जाओ ये भाई ये देखो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दो। अच्छा और आप लोग उससे पतली तो वो थी। अच्छा और और दो मुझे बाकी सब बैठ जाए प्लीज, बाकी सब बैठ जाए, दो मोटी बुला लो उनको इन पे बैठना है। अब आओ। अच्छा आप लोग आइए बाइक पे बैठिए, ये दो और भाग जाएंगे। हाँ जी इधर तो गेम करना है, आप भी बाइक पे बैठिए। वैसे मैं चाह रही हूँ कि पतली दुबली जो है खींचे, खेल ये खेलने जा रहे हैं इसलिए मैं चाह रही हूँ पतली दुबली खींचे, पतली दुबली खींचे। अच्छा यही बाइक के पास चले जाइए, दो तगड़ी खवातीन आप आ जाए, बच्चा छोड़ दीजिए गोद में दीजिए और कोई दो, ओके आप आइए, तगड़ी सी चाहिए बहन। अच्छा खामोश वरना मैं नहीं खेलूंगी, पिन ड्रॉप साइलेंट, ओके। अच्छा जी आप दोनों अब ये करेंगी कि आप इस बाइक के ऊपर बैठिए, आप भी इस बाइक के ऊपर बैठिए, हम जरा उल्टा कर रहे हैं गेम को, ठीक है आप बैठिए, आप भी बैठिए, आप दोनों बाइक को खींच कर लेकर आएंगी, हम आपको बाउंड्री देते हैं, बाउंड्री इस जगह से, यहाँ पे कोई बाउंड्री लगाइए, यहाँ पे कोई कपड़ा रखिए जी, बैठ सकेंगे लड़कों की तरह? नहीं 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 बैठना तो पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा, बाइक के लिए खेल रही। अरे बाप रे बाप, अब आना है किसी ने इस दुनिया का सब, अब आना है किसी ने। अच्छा जी अभी नहीं, एक मिनट फिजा पीछे जी, फिजा फिजा एक मिनट, अब आना है किसी ने, तुम लोग बहुत ही ढीठ हो भाई। अच्छा जी यहाँ पे, यहाँ पर ये रस्सी कैसे भी टूट जाएगी, जरा खामोशी अख्तियार कीजिए आप गिर जाएंगे सर, मैं गेम आप गिर जाएंगे, पांव जो है ना नीचे, खामोशी आप लोग जरा साथ दीजिए, खामोशी अख्तियार कीजिए प्लीज। अच्छा मेरी बात सुनिए आप लोग जो खेल रहे हैं, ये लाइन है, इस लाइन को क्रॉस करके वहां तक लाना है, मगर आप लोग पैरों से सपोर्ट करके बाइक आगे नहीं लाएंगी, आप लोग बाइक आगे नहीं लाएंगी, ठीक है? माइक दीजिए मुझे है जी, ये बाइक नहीं संभाल सकेगी, देखो कैसे रखा हुआ स्टैंड पे है, ये बाइक संभाल नहीं सकेगी, आप हट जाओ मैं बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं आप तो बैठ करिए। अच्छा आपको अगर बैठ ले, आप उतरिए, आप गिर जाइए, आपकी जगह ये खाला रुकैया। अच्छा आप अगर बाइक जीत गई, अगर आप जीत गई ना किसको देंगी? मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, और किसी हस्बैंड को देंगी, गोल्डन सन की बाइक है। ओके और आप अगर बाइक जीत गई किसको? पापा को देंगी, पापा के पास बाइक है भाई, इनके पापा के पास बाइक नहीं है इसलिए शुरू से चीटिंग कर रही है, आगे किए जा रही है, किए जा रही है, माइक पकड़िए। अच्छा जी थोड़ा पीछे, तुमने हार, आपकी तालियां बताएंगी और जो पहले उस रस्सी से क्रॉस करके ले गया बाइक उसकी, आपका टाइम स्टार्ट होता है 3 2 1
मजे के बाद इसलिए कहते हैं ना ताकत दिमाग में होती है जिस्म में नहीं जी बिल्कुल जैसे हमारे कायदे आजम अब्दुल जिना को देखा पत्थर टूटने से पाकिस्तान बना दिया अच्छा मुझे बताइए आपके पापा हैं पापा नहीं आए कौन आया घर से मेरी बहन के हस्बैंड आए बुलाइए उनको जी खड़े होइए कौन है बात दीजिए और बहन आई है जी हाय मुबारक हो अब्बू चांद रात को घूमे नहीं अपने वालिद को दोगे ना इनके इनके वालिद को बहुत बहुत मुबारक और इनके होने वाले बहनोई को भी बहुत बहुत मुबारक ये वो जीत गई क्या कहते हैं जी एक सेकंड आप मुझे ये बताइए मुझे कुछ नहीं मिल रहा मैं आगे नहीं खेल रही मैं चली जाऊंगी आप लोग मैनर्स बिहेव कीजिए काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके पापा के पास बाइक नहीं है क्या करते हैं आपके पापा बिजनेस करते हैं कहाँ रहती हैं पेट्रोल भी है अभी टीवी पे शो देख रहे हैं आपका खुश होंगी जी सारी फैमिली जी माशाल्लाह और बहन है जी उनकी बहन है और बाइक ले गए आप गोल्डन सन की तो क्या कहेंगी बहन को कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस क्या बात है अब तुम बाइक के ऊपर बैठो इससे अच्छा तोहफा नहीं दे सकते तुम लोग अपने पापा को बैठ के अब तुम्हारे पापा बोला चांद रात को घूमे अकेले देख तुम लोगी खुशी से गोल्डन सन की बाइक मेरी बहन की हम अभी आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं अवतार का सामान मजा नहीं आया कोई मिला ही नहीं आपके साथ बोला ही नहीं बाइक जीत के भी मजा नहीं आया नहीं नहीं हम नहीं जा रहे अब भी नहीं जा रहे जैसे मैं ब्रेक पे जाती हूँ और सब मेरा साथ देते हैं आपने बाइक जीती है जैसी खुशी एक्साइटमेंट होती है ना वैसे खुश हो जाओ मैंने बाइक जीत ली है प्लीज आप लोग प्लीज क्लैपिंग करें और हम अभी आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग क्या देख रहे हैं यही रहिएगा हमारे साथ इफ्तार का समा खेलेंगे बिलाल कुतुब साहब और करेंगे आपसे मुश्किल सवालात बड़े बड़े होंगे इनाम आपके साथ सवाल करूंगा हायर फ्रिज के लिए सवाल बहुत आसान है जरा सोच लेना हमारे हमसायों में से किसी का जवाब है इलामा इकबाल रहमा जो हैं इन्होंने किस मुल्क के लिए तालीमी पॉलिसी बनाई थी हमारे अपने मुल्क की अभी तक नहीं बनी हुई है अरे उधर इंग्लैंड किसके लिए इंग्लैंड के लिए इलामा इकबाल साहब पॉलिसी बनाएंगे कोई बताएगा कौन बताएगा इसको आता है जी इंडिया हिंदुस्तान इंडिया के लिए अगर ये आइंदा कुछ जीते भी तो इनको कुछ नहीं देना जी बेटा बताओ किसके लिए अफगानिस्तान अरे बैठो 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 आप इनाम लोगे हायर का फ्रिज या आगे खेलोगे आगे खेलोगे वंडरफुल आप खेलेंगे हाई स्पीड की बाइक के लिए और अगला माइक्रोवेव पेल का पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो किसने लिखा हफीज जालंधरी ने हफीज जालंधरी ने आप लोग कहा है कहां दफन है गेम का मजा नहीं आता इस तरह ये नहीं आप जीत चुके हैं पहल का माइक्रोवेव लेकिन आप ये माइक्रोवेव अपने साथ लेके जाएंगे फॉर बाइक आप क्या करेंगे आई वांट टू प्ले फॉर बाइक फॉर बाइक आप बाइक चला नहीं सकती ना आप खेलेंगी आप खेलिएगा आप जो चीज है इसको सरेंडर कर देंगी ओके क्यों मोबाइल के लिए सवाल है कि शिकवा और जवाब शिकवा नज़में जो हैं वो किसने लिखी हैं
भाई यार आप लोग बिल्कुल किस कदर बुरी बात है, आपने उनका प्राइस जो है वो खटवाया है। एक सवाल मैं उम्र में भी बड़ी है और आप लोग जवाब क्यों दे रहे हैं? ज्यादा ज्यादा बात है, प्लीज इसका मत कीजिए। आप लोगों को मना किया है कि जो आप जवाब दें प्लीज हाथ उठा के दें। आपको मैंने सवाल पूछा नहीं, था मोबाइल के लिए, लेकिन जवाब दिया उस बच्चे ने। लेकिन मैं आपको बगैर जवाब के क्यों मोबाइल देता हूँ? इनको क्यों मोबाइल दीजिए? आप मत करें ये, प्लीज आप गलत बात कर रहे हैं। हाफिज किसे कहते हैं? जिसने कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया हुआ हो। नहीं तो वैसे भी तो कहते हैं ना तू बड़ा हाफिज है, हाफिज कुरान उसको कहते हैं, या और किसको कहते हैं? जिसने कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया। पक्की बात है? हाफिज किसको कहते हैं? हाफिज किसको कहते हैं? जो जिसने हिफ्ज किया, जिसने हिफ्ज किया हो तो ठीक कह रही हो ना। आप खेल रही थी डिजिटल कुरान डैनी के लिए, डिजिटल कुरान डैनी का दीजिएगा। जनाब अगला सवाल है जे डॉट के लिए और हायर आयरन के लिए। जन्नत के उस दरोगा का नाम बताइए जो कि एक फरिश्ता है। दरोगा जन्नत का जो फरिश्ता है, नाम बच्चों के नाम जिब्राइल नाम रखा किसी ने किसी बच्चे का आज तक? क्या नाम रखोगे? क्या नाम? हाँ हाँ सवाल क्या है? कौन कह रहे हैं? मैंने कहा, मैंने। एक सेकंड ठहरिए, आपका हो गया। आप सवाल क्या किया था? मैंने आपने के जन्नत का वो जो है दरवाजे पे जिसका नाम फरिश्ता है, वो क्या करता है? वो जन्नत के दरवाजे पर है। वो क्या है? फरिश्ता है। और जन्नत क्या करता है? वो दरबान है। रिजवान, उसका नाम रिजवान है। आप अपनी जे डॉट और हायर की आयरन दोनों आपको फरमाइए। हायर की कैटल के लिए सवाल है, पांचवा कलमा जो है इसका नाम बता दीजिए। पांचवा कलमा, हाँ आता है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पांचवा कलमा अस्तगफार। तो बेटा खड़े हो जाओ ना, खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो। तो पटा लो सर, पांचवा कलमा, पांचवा कलमा अस्तगफार, अस्तगफार अल्लाह। बेटा सर पे पढ़ो, सुनाओ, आता कलमा आता है बेटा? हां पढ़ो। पांचवा कलमा अस्तगफार, अस्तगफार अल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतु हुआ वलाना आतो हुआ अज़नब। गलत हो गया। इस बच्ची इधर, इसने जवाब सही बताया है, जवाब से उससे है। हायर की कैटल आपको मिलेगी, आप सुनाइए। पांचवा कलमा अस्तगफार। अगला सवाल आपका जनाब है, पेल के माइक्रोवेव के लिए कुरान हकीम में। लेकिन आपका जवाब दूर से बेटा, किस लफ्ज का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज्यादा हुआ, किस अल्फाबेट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है? जी हजरत, अलिफ का कितनी दफा हुआ है? जितनी दफा भी हुआ है तुमने जीत लिया है। पेल का माइक्रोवेव, हायर की वॉशिंग मशीन के लिए बात करते हैं। हायर की वॉशिंग मशीन का सवाल है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कितने नाम हैं? 99। रसूल पाक के नाम जो है वो किसी ने ऊंचा नहीं बताने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाम हैं? 99। अल्लाह के 99 नाम है। रसूल पाक के कितने नाम है? 52। 52 जी बेटा, आप बताइए। 98 नाम है। अल्लाह के कितने हैं? 99। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? 98। कलमा सुनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। शुक्र है तुमने अभी अभी इस्लाम कबूल किया। जी बेटा, दो नाम है। अल्लाह के रसूल के सहाफी नाम कितने हैं? दो। जो सिफत के नाम है, अरे 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 आखिर देखो, अल्लाह ने मोहम्मद से कितनी मोहब्बत की है। अल्लाह ने अपने नाम सहाफ सिफ्त के 99 रखे, मोहम्मद के भी 99 रखे। जनाब आप खेलेंगे डिजिटल कुरान के लिए, डैनी के कुरान मजीद में कुल कितने क्या क्या जवाब दो बता दो जवाब दो जवाब दो बताओ खाला बता दे बता दे बता दे कुरान हकीम में कुल कितने सजदे हैं जिन आयतों पे सजदा किया जाता है? क्या कर रही है? पक्की बात है? एक सेकंड। 14। कोई और कुछ कहना चाहता है? 7। पक्की बात है? आप इनको बताइए कितने हैं? 14। आप बताइए कितने हैं? 7। तो दोनों में से आप ठीक हैं? आपको मिलेगा डिजिटल कुरान, लेकिन क्योंकि आपका जवाब गलत है कुरान मिलेगा इस बच्ची को। 14 सजदे हैं, 14 है। आइए जनाब आखिरी सवाल, इसके बाद कंटेस्टेंट लूंगा। कुरान मजीद का आखिरी हर्फ कौन सा है? सीन। खेलोगी?
खेलूंगी या अभी इनाम लोगी? खेलूंगी मोटरसाइकिल के लिए इंशाल्लाह। अगर मोटरसाइकिल जीत गई, बहन का नाम क्या है? तहसीन फातिमा। तहसीन फातिमा, अगर आप मोटरबाइक जीत गई तो आप मोटरबाइक चला लेंगी? मैं नहीं चलाऊंगी, लेकिन मेरे अपने हस्बैंड को दूंगी। आपके हस्बैंड किधर है? घर पे। तो यहाँ कहाँ अकेली आई हैं? मैंने कहा आप दुआ करें, मोटरबाइक लेके जाएंगे जी इंशाल्लाह। खुश होंगे इंशाल्लाह। आपको क्या शाबाश देंगे वो? बस ईद पे कोई अच्छा सा गिफ्ट लूंगी उनसे। आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। लेट्स प्ले दिस। दो कंटेस्टेंट और आप दोनों से सवाल होंगे, तीन तीन। जो शख्स तीनों जवाब दे देगा वो लेगा मोटरबाइक हाई स्पीड की। मैं जानता हूं ना। हजरत ताबिंदा लाली जी ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह। आपका नाम बेटा? आमिर। जेबों में से हाथ निकालो, माइक में बोलो। आमिर। आमिर क्या करते हो बेटा आप? शॉप। किस चीज की? आपका नाम? ठीक है। तहसीन फातिमा, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। आपकी कितनी तालीम है बेटा? सेकंड ईयर में पढ़ते हो अभी और शॉप भी करते हो आप? ग्रेजुएट किए। पहले तीन सवाल आपसे करता हूँ, अगर आपका कोई भी जवाब दुरुस्त, अगर आपके सारे जवाब दुरुस्त हुए तो आपको क्या मिलेगा? कौन सी मकसद ही आ गया तो हाई स्पीड की। पहला सवाल है आपसे कि कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? तीन ऑप्शंस आपको देता हूं, 84, 86 या 78। बहुत गौर से देखना, 78 हैं, 86 हैं या 84 हैं मक्की सूरतों की तादाद? 86। जवाब दुरुस्त। अगला सवाल आपसे, कुरान मजीद में कितने अंबिया का जिक्र है? कितने अंबिया का जिक्र है? पहली ऑप्शन है 20, दूसरी 26, तीसरी 30। 20, 26 और 30, कितने अंबिया का कुरान हकीम में 30 पारों में कितने अंबिया का जिक्र किया? देख रहे हो जवाब? कितने अंबिया का? जेबों से हाथ निकालते हैं, यूं खड़े होते हैं, इस पे हाथ रखो जल्दी से। 26, 30 या 20? दूसरा दुरुस्त है। तीसरा, अब फिर पहिए रह गए बेटा। अलजजायर एक मुल्क है, अलजजायर की मुस्लिम आबादी कितनी है? 50%, 99% या 70%? क्वेश्चन दोबारा बोलिएगा। अलजजायर एक मुल्क है, इस्लामी रियासत है, इसकी मुसलमान आबादी कितनी है? 50, 99 या 70%? अलजजायर। जल्दी जवाब। 99%। इसके तीनों जवाब दुरुस्त हैं। ओके फातिमा, आपसे तीनों सवाल, और अगर आपने भी तीनों के दे दिए तो फिर दोनों से एक एक सवाल पूछूंगा। आप ये फरमाइए कि शहादत के वक्त हजरत अली करम अल्लाह की उम्र क्या थी? 60 साल, 63 साल या 65 साल? 63 साल। जवाब दुरुस्त है। देखो इमाम अली करम अल्लाह जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल उम्र कम लेकर आए। एक टायर छीन लिया इससे। एक एक लोग गया। पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस किस सन में हुई थी? 1965 में, बड़ा अहम साल है, 74 में या 1980 में? पहली कहते हैं। पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो कि किसने करवाई थी? भुट्टो ने करवाई थी। सारे मुसलमान जो सदर हैं वो सारे इकट्ठे हुए थे, लाहौर में इकट्ठे हुए थे, और उसका लाहौर में एक बहुत बड़ा निशान भी बनाया है। ऑप्शन फरमाइए। ऑप्शन है आपके पास 65, 74 या 1980। अब अगर नहीं बताओगे तो ये 74। हाँ सही बात है। अगला जवाब। भुट्टो साहब तो मतलब भुट्टो साहब थे भी नहीं। जी जी 80 वो तो उस वक्त 74। 65 में क्यों नहीं कहा आपने? क्योंकि दो पहिया छीन लिया। हाँ हाँ फर्स्ट टाइम आए तो उसमें भुट्टो साहब नहीं। पक्की बात, बात है। अच्छा ये बताइए कि 1965 की वॉर जो है हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान ने जो की, वो कितने दिन जारी रही? 15 दिन, 17 दिन या 20 दिन? 1965 की वॉर पाकिस्तान ने कितने दिन हिंदुस्तान से लड़ी? 15 दिन, 17 दिन या 20 दिन? 17 दिन। पक्की बात है? आप थी उस वक्त? नहीं। अरे ताली बजा के ठीक कह रहे हैं ना। तीसरा जवाब आपका दुरुस्त है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के दिन 17 दिन लड़ाई लड़ी थी। और आपको ये भी बता दूं आपको बात के लड़ने की कैपेसिटी जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, वो भी तकरीबन इतने ही दिन। आपने कितने सवालों के जवाब दिए? तीन। और तीन के जवाब आप एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल पूछ लें। जो क्वालिफाई करेगा, पहली दफा जो जवाब दे देगा वो मोटरबाइक के लिए क्वालिफाई करेगा। तो फिर बटन नहीं दबाने वाला? नहीं, बटन नहीं दबाना। जो आपने बोलना नहीं है, आपने अपना अपना जवाब अलग देना। मैं खड़ा हूँ। ये फरमाइए कि इमाम बुखारी ने
कितनी हदीसों में से इमाम बुखारी की हदीसें सेलेक्ट की थी, टोटल नंबर ऑफ अहदीस कितनी थी जिनमें से 7,500 हदीसें आपने से निकाली? आप जिसने पहले जवाब दे दिया आप भी दे छोड़ दीजिए। नहीं देंगे आप, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, बाइक है, बाइक इसमें बाइक है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं, सॉरी सर। नहीं पता। अगला सवाल ये फरमा दीजिए कि बुखारी शरीफ में रावियों में से, रवायत, रावी कहते हैं रवायत करने वाले को हदीस की, जी जी, सबसे ज्यादा रवायत किस सहाबी ने की है? पहले आप जवाब दीजिए। अब हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा जिसने जवाब दे दिया वो जीत गया, वो जीत गया। ये पांच राउंड है ना, ये आप पूछ रहे आप, लेकिन आप इसके बाद भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपके शौहर इसी पे फिर भी आपसे पूछ लेंगे और आपको तहाइफ देंगे जरूर। मगर मुझे चाहिए, एक सेकंड बिलाल भाई, आपने ये भी कहा था कि जो पहले जवाब दे, नहीं नहीं बिलाल भाई ने अभी सवाल करते हुए उनको कहा था कि ये आपके लिए सवाल है जी, तो एक सवाल वैसे तो बनता नहीं है लेकिन आपकी मर्जी सर, मैंने हाथ रेस किया था मुझे पता था, एक सवाल चलो सर, जो पंच है जो पंच है, जो जिसने जवाब दे दिया वो खत्म हो गया, अब ये रैपिड डेथ है ना गेम आपका है, सवाल कर सर प्लीज, देखिए मैं बहुत आई हूं, उम्मीदें लेके आई हूं, अच्छा आप नाराज होके मुझे दिखा दो, इस पे मैं आपको एक हैम्पर दे दूंगा बाइक के साथ, हैम्पर बाइक के साथ, बाइक तो मेरी हो गई ना, बाइक के साथ हैम्पर चाहिए सर, हमने वक्फे पे जाना है, अच्छा वक्फे पे जाने से पहले मैं सवाल पूछ लेता हूं, अगर इनका जवाब दुरुस्त हो गया फिर एक-एक कर लेंगे, फिर एक-एक कर लेंगे, फिर एक-एक कर लेंगे, बहुत आसान सवाल है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी गिज़ा किस चीज को कहा जी, पूरी गिज़ा किस चीज को कहा, किस चीज को कहा, दूध को, अब तो खेलना पड़ेगा, अब खेलना पड़ेगा, एक एक सवाल और, एक एक सवाल, एक एक सवाल और जल्दी से कर लें, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो वो सवाल कर लें, एक एक सवाल करूंगा, दोनों ने दोनों में से जिसने जवाब दे दिया, जिसने जवाब दे दिया मैडम चाप कर लो जी, मतलब दोनों में से पहले कोई भी दे देगा फिर आप ही नहीं फॉलो करेंगे, आपसे एक एक सवाल करते हैं इस ब्रेक से वापस आके, आप सोच लीजिए, खातून छोटे से वक्त पे जाते हैं, वापस आते हैं और देखते हैं कि आज की मोटरबाइक कौन लेके जाएगा। जो मोटरसाइकिल लेके जाएंगे और वो मोटरसाइकिल होगी हाई स्पीड की, ये लोगों के साथ, इस तस्वीर के साथ नहीं, लोगों के साथ, नहीं भाई अच्छा हम क्या देख रहे हैं प्रोग्राम, जोर से तार का समां, ओके अभी जनाब आपकी इस चाबी के लिए होगी फाइट, चाबी रखता हूं दरमियान में, आप में से जो सवाल का गलत जवाब देगा और एक सही देगा तो सडन डेथ होगी, ठीक है, बात समझ में आई, सडन डेथ गेम होती है, जिसने गलत दे दिया वो खत्म, अगला चांस नहीं है, एक सवाल होगा, दोनों से पूछूंगा, जिसका जवाब सही होगा वो जीतेगा, जिसका सही, अगर दोनों का सही हुआ तो फिर अगला सवाल करूंगा, पहला सवाल आपसे, अजान में अल्लाह अकबर का लफ्ज कितनी बार आता है? 6 बार। आपका जवाब दुरुस्त है, दुरुस्त है, दुरुस्त है, दुरुस्त है। आपको तोहफे देके भेजूंगा लेकिन उसने जवाब दुरुस्त दे दिया, ये सडन डेथ है, जिसने दुरुस्त दे दिया वो मोटरसाइकिल ब्रेक ले गया, तो आपको बोलना चाहिए, बहुत शुक्रिया, आपको देते हैं हम पेल का रेफ्रिजरेटर, ठीक है भैया, अब आओ तुम उस मोटर बाइक पे जिस पे बैठे हुए थे अमजद, और इस मोटर बाइक को, अरे तुमने इस पे बैठना नहीं है, तुम तो कह रहे थे, तुमने इस मोटर बाइक को अपने हाथ में लेना है, तू तो कह रहा है, और नीचे 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 ये सारा 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 सिलसिला ना चक्कर लगा कर आओ, एक जरा चक्कर लगा लो, कैसे लगा, चाबी मेरे से ले लेना, हाँ लगाना जरा चक्कर, तालियां बजती लेने चाहिए, आपके साथ है कोई आया हुआ, कौन आया आपको, माइक माइक माइक, ये लो ये लो, आप जरा बताइए अकेले आए हैं या फिर आपके साथ कोई आए भी हैं,
अगर चाहे तो आप अकेले आए तो आपको बाइक नहीं मिलेगी, मैं पहले बता दे रही हूँ भाई। बिलाल भाई यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा सीरियसली। अगर जो जो आदमी घर से अकेला आता है यहाँ पे उसको कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए। छोटा भाई लेके आया साथ में, भाई छोटा भाई पीछे खड़े में कहाँ पे खड़े तो हो, कौन है छोटा भाई? आइए इधर आइए, साइड पे आ जाए जल्दी से, इसका सगे भाग के आइए। ठहर जाओ, नहीं मैं चेक करूं, एक मिनट देखो, तुम उधर आओ। तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? तेरे अब्बू का नाम क्या है जल्दी बता। हां अरे ये चाबी जो है ना अपने बड़े भाई को तुम दे दो। अच्छा बताओ क्या सोच कर आए थे जब आए थे इस ट्रांसमिशन में कि बाइक जीतोगे? नहीं, क्या सोचा था? बस ऐसे ही आए थे शौक में, और भाई को देखने के लिए आया था। अमजद भाई के पास, शकील भाई के पास आए थे। भाई हम अब आप बाइक की सूरत पे देंगे कि आप हमारे ट्रांसमिशन की बेस्ट तारीफ करें। कैमरा छोड़िए, आप इसके बारे में ना 10 अच्छे अच्छे इतने अच्छे जुमले को कि हमें भी सुन के हैरत हो के वाकई एक सांस में फिर ये चाबी मिलेगी, फिर ये मिलेगी चाबी, वरना फिर वो कामना शुरू हो जाएगा। छोड़ दीजिए जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ही ज्यादा अच्छा। अगर रुके, बाइक नहीं दूंगी, जल्दी 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 से। शहरी में भी अच्छा जाता है और अफतारी में भी बहुत अच्छा होता है, और इसमें इस दीनी मालूमात बहुत ज्यादा पता चलती है, बहुत मालूमात होती है। और अमजद भाई बहुत अच्छे इसमें करते हैं, बहुत अच्छा। शकील भाई भी आज ही आया। अमजद भाई सारा अच्छा क्या करते हैं मुझे बताना, क्या अच्छा करते हैं? कवाली, कवाली बहुत अच्छी पढ़ते हैं। कौन सी कवाली पिछली पढ़ी थी अमजद ने? 10 फ्रूट के नाम बता दे। बोल आम, आम हिकमत भी बहुत अच्छी करते हैं, हिकमत भी अच्छी करते हैं, पक्की बात है जी। अच्छा तुम मुझे इनके लिए एक कव्वाली का मिसरा जो है ना वो मुझे बता दो जो तुम्हें अच्छा लगता हो। बहुत सुना है तुम्हें यार, जल्दी से बहुत नहीं नहीं तुम क्यों बता रहे हो जल्दी से, बहुत सुना हुआ तुम्हें। हां जल्दी से, हां नहीं हसन आपने बहुत देखा तुमने, तो मिसरा सुना हुआ। शाबाश शाबाश, चलो शकील भाई का कोई लतीफा सुना दो। किसी को नहीं देखा शकील, बोलो 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 जल्दी से, अब तो चीटिंग भी हो गई है, जल्दी से बोलो। आज वो बच्चा नहीं पढ़ सकता, चलो बच्चा नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये चाबी दे देते हैं। ओके ये मोटर बाइक आपको मुबारक हो। अच्छा लेकिन पता क्या, एक बात भाई, एक बात मैं भी, शकील एक मिनट, 10 अंडे देने वाले जानवर के नाम बताओ। मैं बता रहा हूँ कबूतर, ये चाबी कबूतर, ये चाबी फिजा भाई मुर्गी के आठ बच्चे की ब्रेक पे और मुसाफात पे जो लोग हैं, ये फिजा भाई से चाबी लो, बहुत मुबारक हो। लेकिन ये चाबी जो है ना, ये चाबी मैं फेंक रहा हूँ अल्लाह ताला अजान का, इसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजान हो गए, हम रोज़ा भी खोल रहे हैं साथ साथ। ये गिलास ले लीजिए, इसमें मैं रूह अफ़ज़ा पी रही थी, खाया पिया, इफ्तार खुल गई, एनर्जी आ गई, ताकत आ गई, मतलब आप खेल सकते हैं। आज मैं आप लोग को बहुत चांस दे रही हूँ, आज बहुत खेल रही हूँ आप लोगों के साथ, मज़ा नहीं आ रहा? आज मैं आया हूँ इसलिए। शकील भाई बस कर जाएं, वापस आ गए, मैंने गिलास वापस कर दिया। आप क्या खाए जा रहे हैं? पकौड़े। ओ ठीक है, अगर शकील भाई पकोड़े खा रहे हैं तो क्यों ना हम कोई ऐसा गेम खेले जिसमें पकोड़े हो। हैं कौन खेलेगा और इनाम भी बड़ा होगा। मैं दूंगी इस पे पेल की वॉशिंग मशीन। अच्छा एक खातून यहाँ पे बहुत नाराज है, ब्रेक में भी चीख रही थी कि मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं खिलाया, अभी खिलाती हूँ, आ जाइए आ जाइए, बल्कि हायर की वॉशिंग मशीन के लिए खिलाते हैं जी, जबरदस्त। आपके मियाँ साहब कहाँ हैं? मियाँ साहब कहाँ हैं आपके? आ जाए आ जाए आ जाए, छोड़ दें, बहुत इफ्तार खा लिया, आ जाए आपको इफ्तारी कराते हैं। पकौड़े लाइए जी, पकौड़े 2 प्लेटों में। अच्छा एक कपल और चाहिए मुझे, कौन आएगा? एक कपल और के हिसाब से इनकी खुराक अच्छी है। कौन कौन आ जाए? हाँ 2 प्लेट कह रही वो भाई, आ जाए जल्दी आ जाए जल्दी। अच्छा एक से क्या होगा है जी, आपको कच्चा बेसन दे दूं? नहीं, दो पका पकाया, दो बेसन। अच्छा जी आ जाइए, आप अपना फ़ोन मुझे दे दें। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम लोग लाइव ट्रांसमिशन में हैं और अंकल जो है वो खेलने जा रहे हैं हमारे साथ, और खेलेंगे ये कि उन्होंने करना ये है कि पकौड़े खाने और खिलाएंगी भाभी, तो आपको थोड़ी देर में कॉल करते हैं, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी
इधर आ जाइए। इनका टाइम बाकी है अभी। टाइम बाकी है? रोजा है आपका? रोजा है अभी, बस खुलने वाला है, दो मिनट उसी में खोलिएगा, उसी में खुल जाएगा, दो मिनट बाद। ठीक है, जब तक बात कर लेते हैं, जब तक आ जाए हमारे, बात कर लेते हैं, आ जाए। वैसे क्या प्यारा कपल है, उन्होंने अपनी बेगम को प्यार से ऊपर से उतारा है, मुझे मजा आया ऐसे देख के। ऐसी प्यार करे अपनी। तीन मिनट है अभी उनके खेल में, तो कोई और एक छोटा सा खेल खेल लो जब तक इनसे। हाँ, तीन मिनट रहता है, आप लोग तैयारी पकड़े। अच्छा जी, यहाँ पे ऑडियंस पे जब तक की बात कर लेते हैं, किसी के पास कोई जबरदस्त किस्म का लतीफा है तो उसको भी तोहफा दूंगी। कोई लतीफा, चुटकुला लतीफा जिसपे शकील भाई हंस दे, मैं तो तुम पे ही हंस रही हूँ। जल्दी बताओ कौन सुनाएगा, जबरदस्त है भाई, लाओ माइक दो। नहीं नहीं हो गया भाई, बस करो, कितनी तारीख होगी, जल्दी से बेस्ट लतीफा, तालियां होनी चाहिए भाई। अच्छा, और हौसला नहीं होगा तो मैं खेलूंगी भी नहीं, मैं बता दूं। एक मुर्गी के दो बच्चे थे, एक बत्तख के, एक नाम एक रंग एक, जब वो अपने बच्चे को बुलाती आ जाता, को बुलाती आ जाता, जब वो डॉक्टर के पास गए उसने कहा जब मैं को बुलाती हूँ आ जाता, बुलाती हूँ आ जाता है। उसने कहा जब आप कुबलैन आ जाता, कुबलैन आ जाता है, उसने कहा इससे अच्छा कदम 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 करते हैं। अच्छा, मैंने आपको अभी मोबाइल देती हूँ, क्यों मोबाइल? आपने तो बड़ा ही नाम कहा था। किधर गए शकील भाई, किधर है? पकड़ यार मेरे, शकील भाई है जी। हाँ भाई, हाँ भाई, इतना बड़ा इनाम है, यहाँ से कॉल मिलाओ तो इंटरनेशनल लगती है। अच्छा, क्या कैसे, एक दफा फिर करके दिखाओ कैसे, क्या कह रहा है? नहीं नहीं, क्या पूरा बोलो, क्या था? माइक माइक, एक दफा फिर। हाँ, मजा आएगा। एक बत्तख के दो बच्चे थे, एक नाम जब वो कुबलाती आ जाता, कुबलाती आ जाता, वो डॉक्टर के पास गई, उसने कहा मैं क्या करूँ, जब कुबलाती हूँ आ जाते, कुबलाती हूँ पा जाता है, उसने कहा कि आप कनम कदम कनम। मेरी बात सुने शकील भाई, अब इससे बड़ा कुछ आपने जोक सुनाना है, वरना या तो ये जोक को आपने अगर सुनाना है तो कैसे सुनाएंगे? दो चूजों में आपस में प्यार हो गया, बस टेंशन हो गया, बड़ा हो गया, दोनों मुर्गे निकल आए। अच्छा शकील भाई, इससे पहले कि हम यहाँ पर ये गेम शुरू करें, एक लतीफा आपका भी होना चाहिए। इनका तो क्यों मोबाइल हो गया, एक लतीफा आपकी तरफ से। मेरे तरफ से जी, माइक लगा हुआ आपको। अच्छा देखो, बीवियाँ आवाज जाती है ना, अच्छा लगता है। हाँ। बीवियाँ मियाँ इतना डरते हैं, आप डरते हैं भाभी से? भाभी से डरते हैं? अगर ना नहीं बोलना भाई, गुना होगा। बोला हाँ, सब डरते हैं अपनी अपनी बीवियों से भाई। ताली बजा के बताओ कौन डरता है, बताओ कौन कौन डरता है? कोई नहीं डरता। दोजक में अनाउंसमेंट हुई। हाँ। जो बीवियों से डरते हैं, जो बीवियों से डरते हैं, दोजक में अनाउंसमेंट हुई, वो जन्नत में आ जाए। अच्छा, सब चले गए, ठीक है, एक खड़ा रहा मेरे जैसा। हाँ। आवाज तो आप, उससे पूछा गया मेरे जैसे से, आपको डर नहीं लगता? हाँ। अगर चुप कर जाओ, वही बोल के गई, ये खड़े मिलना। अल्लाह माफ करे। तो देखो, दोजक नहीं छोड़ता मियां बेचारा, इतना डरपोक होता है। हैं, आ जाए जी, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। रोजा खुल गया, खोल लिया, पहले रोजा खोल लो, पहले पानी पी लिया। अच्छा भाभी, आपने और आपने अपने मियाओं को अपने हाथ से खिलाना है, और आप मदद नहीं लेंगे बेगम आपकी। मेरी कहा है? चले जी, बस वो खुद खिलाएगी, आप अपने हाथ पीछे बांध दें। मैंने कहा था फ्रिज में रख दो ऐसे। आप लोग का टाइम स्टार्ट होगा, मगर मिलके मेरे साथ बोलिए, 3 2 1 मिलके, 3 2 1। अच्छा जी, जिसकी प्लेट खत्म, जिसने पहले खिला दिया, हायर की वॉशिंग मशीन उनके साथ जाएगी। यहाँ पर नहीं, गिराना नहीं है जी, गिराना नहीं है, गिराना नहीं है। एक सेकंड मुझे जगह दीजिएगा, जो गिराया वो भी खिलाइए। हाँ जी, रिस्क की एक भी नहीं करनी हमने यहाँ पे। शकील भाई कहाँ गए? शकील भाई कहाँ गए हो जा रहे आज? इधर आए शकील भाई, अंदर भाई आ जाए। ये तो इतने प्यार से खिला रहे हैं यहाँ पे, कॉम्पिटिशन तो शाम तक रहेगा। मुझे लगता है ये इफ्तारी के बाद अभी सैरी भी इधर ही करा के जाएंगी। सैरी के बगैर नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, आप आंटी एक सेकंड बैठिएगा, अभी हम गेम खेल रहे थे जी। अमजद भाई, मुझे ये तो बहुत प्यार से खिलाते हुए देख रहे हैं, किस तरह से तो शाम भी शाम हो जाएगी। नहीं नहीं, नहीं अभी खत्म हो गया, कल सैरी सैरी तक, सैरी तक खिलाएंगे कल इफ्तारी भी। मुझे लगता है हां, मेरा बच्चा खा के स्कूल जाएगा।
मास्टर को तंग तंग नहीं करेगा, टीचर को नहीं छेड़ेगा, घर में बच्चा शुगर भूल जाएगा। शुगर भी गन्ने का, गन्ने की मशीन है, घर में भी इसी तरह खिलाती है अपने हाथ से, छील के खाती है, जल्दी जल्दी खिलाए, छील के खाती है। हायर की वॉशिंग मशीन, हायर की वॉशिंग मशीन, वो जीतने वाला है, वो जीतने वाला है, इसी तरह खिलाती है। मेरी बहन हरने वाले पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के खिला दिए, काउंट डाउन देते 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बस गिन लीजिए उसमें कितने। अब दोनों पैसे निकालो, कितने पकौड़े खा लो, 1 2 3 4 ये ज्यादा है, 1 2 3 4 4 5.5 4.5 तकरीबन है। ये कपल जीत चुका है क्या क्या हायर की वॉशिंग मशीन। यार देखा आज आज मियां के खुराक तुम्हारे काम आई भाभी। आंटी और अंकल इधर आ जाइए, ब्रेक लेनी है इसी पकोड़ों के साथ, जल्दी से मिलके ब्रेक लेनी है। और वो आपका कैमरा है, मिलके बोलिए इफ्तार का समा और हायर की मशीन। फॉर इफ्तार का समा और हम अभी आते हैं थोड़ी देर बाद, हम अभी खा के आते हैं, खा के आते हैं, फिर खा के आते हैं, फिर खा के बाद फिर आते हैं। अच्छा घर पे लगता है आप ज्यादा खाती हैं। नहीं हाँ खाती तो मैं, खाती तो मैं ही हूँ। मिलके बोले आप क्या देख रही है, अफ्तार का समा, समा। और बिलाल उन्होंने बोला मुझे इनाम दो, मैं खाऊं भी नहीं। कि यहाँ पे जितना झगड़ा खाला के पकौड़ों पर होता है, यकीन कीजिए कि अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाए तो आपको हैरत होगी कि हम इन पकौड़ों के किस कदर आशिक हैं। और ये बड़े लजीज है माशाल्लाह, ये अफ्तार में अगर पकौड़ा ना हो तो वो अफ्तार का मज़ा नहीं आता, अफ्तार का मज़ा नहीं आता। और ये जो हमारी जो बच्ची बनाती है माशाल्लाह ताला अल्लाह से जा कहते, यकीन कीजिए इतने लजीज पकौड़े हैं। लेकिन आप अभी जाके देखिए एक प्रोमो जिसके लिए बात में आता हूँ और मैं आपसे आके करता हूँ। जो हमारा ये सेगमेंट सुबह का है बनो समा की आवाज़, सहरी का वक्त, इसमें हमने बनो समा की आवाज़ को अमजद भाई रखा थोड़ा सा आखिर में, क्योंकि हमारे पास दो कंटेस्टेंट्स होते थे और हमें इस सारी नात के पढ़ने वाले बच्चों की इतनी अप्रिसिएशन और SMS आती थी कि हमें वो प्रोग्राम के शुरू में इब्तदा में लेकर आना पड़ा, क्योंकि हमें उसका वक्त बढ़ाना पड़ा। वाह। और ख़वातीन हज़रात आज हमारे साथ तीन जजेस इंशाल्लाह होंगे, एक सदीक इस्माइल भाई होंगे, अमजद साबरी हमारे साथ हैं, आपा आप हमारे साथ हैं, ताबिंदा आपा, और ताबिंदा आपा जो है इंशाल्लाह इन्होंने वादा किया कि अगली दफ़ा जो है ये बड़ी गाड़ी लेकर आएंगे 1600 cc। बात ठीक है, MD आएंगे तो इंशाल्लाह से आप, लेकिन पता है क्या, MD जब आ जाएंगे तो हो जाएगा। मैंने लास्ट ईयर भी ताबिंदा आपा को भी बोला था और इनके MD को भी बोला था कि एक जजेस के लिए भी गाड़ी रखा करें। सही बात है इंशाल्लाह। इतनी अच्छा एक गाड़ी तो आ नहीं सकते भाई, सिद्दीक इस्माइल साहब भी हैं जी, वो भी आते हैं, तशरीफ ला रहे हैं अभी। अभी हम एक प्रोमो देखें जाके इसका, तो कल हम क्या कर रहे हैं, मैं वापस आता हूँ और इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात करता हूँ कि कल हम क्या क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं। आप वापस आइए, हम पकौड़े खाते हैं। बनो समा की आवाज का सफर पहले रमजान से ही अब तक गुजरा काफी सहल। आज हमारे टॉप 32 राउंड का होने जा रहा है इख्तिताम, मगर ये सफर ऐसे ही कामयाबियों के साथ रहेगा जारी और सारी। बनो समा की आवाज के टाइटल जीतने वाले को मिलेगी हबीब ऑयल की तरफ से गाड़ी, सेकंड प्राइज बैंक अल्फला की तरफ से 1-5 बाइक, और थर्ड प्राइज है हायर अप्लायंसेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। अब आगे देखना ये है कि कौन हकदार बन पाता है बनो समा की आवाज के टाइटल का, तो देखते रहिए सुबह सहरी समा के साथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खवातीन साथ जो नात खां, और यकीन कीजिए
मुझे ऐसा लगता है अमजद भाई कि नाथ खान जो है वो बड़ा टफ होगा फैसला जजेस के लिए भी करना। हाँ बिल्कुल, मुजरिम के लिए तो फैसला बड़ा आसान होगा, लेकिन जजेस के लिए फैसला करना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। दो मुजरिम, मैं अकेला जाऊं थाने में, मेरा दिल लगेगा? नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। हम इसमें भी नहीं होना, इसलिए दो मुजरिम तो मुजरिम हो, ये है ही नहीं। अच्छा अमजद भाई, इसमें पिछले साल जा रही हूँ ट्रांसमिशन के बाद, तो आप अकेले। अमजद भाई, इस साल पिछले साल की तरह हम हबीब की गाड़ी दे रहे हैं फर्स्ट प्राइज के तौर पर, और जो दूसरा प्राइज है वो है हबीब अल्फला बैंक की 1-5 मोटरसाइकिल। 1-5, अच्छा 1-5 में खसूसियत बता दें, ऑनेस्टली मैं आपको एक हैम्पर दूँ, खसूसियत क्या है इसकी? देखिए, इसकी खसूसियत ये है कि ये 1-5 है। इसकी खसूसियत यह है कि ये जो आवाज़ निकालती है ना रेस देते हुए, ये बाकी सारी मोटरसाइकिलों से मुख्तलिफ है। मैं अगर बता दूं आपको, इसमें पता क्या, इसमें आराम से आदमी लूट लेता है। अच्छा, इसमें किक भी मारने की जरूरत नहीं। अच्छा, तविंदा पा की सुन ले। हाँ तविंदा जी, आप मैं ये कह रही हूँ कि जब आपने ये सफ़र शुरू किया था बनो समा की आवाज़ का, तो समा ने खुद गाड़ी दी, उसके बाद एक मोबाइल कंपनी वाली कंपनी शामिल हुई, फिर हमने देखा और हमारी कंपनी हबीब ऑयल मिल्स जो है, हमने सोचा कि हम इस सफ़र में शामिल हों। और आपकी इतनी अच्छी बात है कि देखिए, बैंक अल-फलाह मुल्क का दूसरा बड़ा इस्लामी बैंक है, सही। और एक बैंक इस चीज़ में आया तो ये बहुत अच्छी बात है। और बल्कि मैं एक बात और कहना चाहूँगी, बैंक के लेवल पर हम जो हमारे सना खान तैयार करके दे रहे हैं सुनने वालों को, तो हम अदारों से ये भी के पढ़े लिखे बच्चे हैं। बिल्कुल, आपको याद होगा हबीब बैंक ने खुर्शीद अहमद मरहूम को तीसरा इनाम क्या देंगे आप? हायर की चीजें हैं, हम हायर का एक पैकेज बनाएंगे जिसमें फ्रिज भी होगा, बहुत अच्छी बात, और उसके वॉशिंग मशीन भी होगी। जीते थे समा से, पहले दफा जीत चुके ना, मतलब उनके घर के इलेक्ट्रॉनिक का सामान होगा, ये पूरा पैकेज जो है तीसरा बच्चा लेकर। हाँ बिल्कुल, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड आने वालों के लिए इतना जबरदस्त, एक हायर और एक बैंक अल-फलाह और एक हबीब ऑयल, तो माशाल्लाह वो 2 साल से कंटिन्यू कर ही रही, लेकिन मैं 5 साल से साथ। हाँ, मैं भी जब से दे रहे सही हो जाएगा। जब से बनो समा की आवाज़ स्टार्ट हुई है, हम एज ए जज, हम दोनों एज ए जज इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन गाड़ी ये देती है, गाड़ी मुझे अभी तक नहीं दी है। बात ये कि इसी मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहेंगे ना इंशाल्लाह। अब आप एक फैसला आप लोगों ने भी यहाँ पे एज ए जज बन के करना है, बनो समा की आवाज़ से हट के। मैं जब से ट्रांसमिशन में मैंने उनको बुलाया ना, तो हर ब्रेक पे जब हम जीतो रमजान खेलते, तो शकील भाई मुझे कहते मुझे सिलेक्ट नहीं किया, मैं भी नात अच्छी पढ़ता हूँ, मैं भी अच्छा खेलता हूँ, मुझे कोई इनाम नहीं मिला। लाओ माइक, लाओ मैं भी माइक, अच्छा इनाम दे देंगे। आप दो जज बैठे यहाँ पे, अगर हमें नात सुना दे, मैं भी आपको एक बात सुना दूं। हम जब ये मुझे शकील भाई ने सुनाई, मुकद्दर के फलसफे पे कौम कितनी बेरारवी में जा रही है कि पता नहीं क्या मुकद्दर। इन्होंने आज मसला एहसान कर दिया, इनको एक दरख्त था उस पर बैठा हुआ था उल्लू, उल्लू तो आदमी को उल्लू नहीं अच्छा लगता था, उसने दरख्त काट दिया। नहीं, दरख्त को भी उल्लू अच्छा नहीं लगता है ना, उसको भी नहीं अच्छा लगता था, काट दिया। पर जब हर शाह को उल्लू बैठा है तो क्या? अरे अरे अरे, वो लकड़ी जो थी ना वो बड़ाई के पास गई, बड़ाई ने उसने फर्नीचर बनाया, कुर्सी बनाई, और उस कुर्सी के ऊपर एक सियासतदान बैठा, दरख्त कहता है या मौला मेरे मुकद्दर में उल्लू लिखे हुए हैं। बिस्मिल्लाह, खुला हुआ खुला हुआ। अच्छा, जहाँ अमजद हूँ वहाँ पे मैं, मेरी आवाज़ तो नहीं, खैर अल्लाह, उसमें वो जो अभी मैं पढ़ रहा था, अभी वो जो सुना रहा था, है ना, हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई, बेअसर हो के मेरी फरियाद वापस आ गई, इस जमी से आसमां शायद बहुत ही दूर है, सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है। अल्लाह अमजद भाई, ये दिल से पढ़ा है इन्होंने, बात जहाँ सुर की या बात किसी चीज़ लय की आती है वहाँ बात मैं तो नहीं करता, क्योंकि ये कंटेस्टेंट नहीं है हमारे, ये दिल से पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़ रहे हैं। और इन्होंने जो दिल से पढ़ा है माशाल्लाह, वो ऐसा है कि वाकई रोंगटे खड़े हो गए।
तो गाड़ी इनसे नहीं, इनसे लूंगा अब गाड़ी इनसे ले दी आपको मैं गाड़ी के नीचे दूंगा। अच्छा खवातीन साहब, हम कल शाम को इसी वक्त जब आपके पास आएंगे इंशाल्लाह 5 बजे। यार इनाम क्या दिया बिलाल भाई, आप ये देखिए ना इनाम आपको क्या दे रहा हूँ। अमजद भाई अमजद भाई की होंगी 5 बजे से लेके 8 बजे तक ऊपर तले कलाम ही कलाम, कवाली कवाली, कॉल ही कॉल। और इसमें एक और चीज का इजाफा किया जाए, आप सारे लोग जो देखने वाले हैं, जो शख्स हमें इस पे रिक्वेस्ट करना चाहता है, अमजद भाई से कुछ सुनना चाहता है, वो हमें कॉल करे। एक तो अमजद भाई इंशाल्लाह वो कलाम जरूर पढ़ेंगे, और उसके बाद आप जो कॉलर्स होंगे, जो पहले 10 कॉलर्स हमारे पास होंगे, वो हमारे गिफ्ट हैंपर्स जो हैं वो भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल यहां पे अच्छा मुझे गिफ्ट देना दे, लेकिन मेरी एक फरमाइश अभी से सुन ले, अभी इनसे सुन ले, अभी से नहीं सुन लो, वो सुनाएंगे शहरी में। वो दुआ तो लाजमी कर दो, लाजमी मलजूम हो गया वो दुआ। दुआ जब से मैं आ रहा हूँ रेगुलर पढ़ रहा हूँ। हाँ ये पढ़ना है तुमने और पूरा सुनाना आज, ये ध्यान में रखना, मैं सुनूंगा सुबह इंशाल्लाह। नहीं सुबह अफ्तार में, कल अफ्तार में, कल अफ्तार में सुनाओगे? कल अफ्तार में, कल अफ्तार में ही है, सुबह शहरी में, अफ्तार में शहरी में हमारा होगा बनो समा। अफ्तार में मैं सुनूंगा। कल अफ्तार में तो आप आ रहे हैं कहाँ हमारे पास? अगर सुननी है तो आना पड़ेगा भाई, ऐसे तो आपको कवाली नहीं सुनने, क्या पता लाइट गई। कल आपके शो में हूँ, आपके समा के रिकॉर्ड में हूँ। तालियां होनी चाहिए। यहाँ नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ, यहाँ ही है। कल समा की रिकॉर्डिंग है, कहीं और है? सबसे पहले तो शुक्रिया मेजान का और जाम शीरी का और कोक का, जिन्होंने जिनकी वजह से दस्तरखान सजा। लेकिन हजरत कल जो मजलिस सजेगी ना, आप एक बात कहूँ आपको बड़ी ईमानदारी से, अमजद देखिए जो आलिम होता है ना, वो जैसा चाहे जो मर्जी जिंदगी में करे, लेकिन जब वो मसनत पे बैठ जाए तो उसकी आंखें जो है ना वो यहाँ पे लोगों के लिए होती हैं, फिर वो सिर्फ खुदा की और खुदा के रसूल की जानते हैं। ये जब कवाली पे बैठते हैं ना अमजद, तो ये इसकी मसनद है। ये वहां पे ना, मैं जब से कवाली सुन रहा हूं ना अमजद, ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं इसको जाती तौर पे जानता हूं, ये मसनद पे खुदा की कसम बेईमानी नहीं करता। बिल्कुल क्या बात है, ये वहां पे ईमानदारी से कलाम है, ईमानदार ना। क्योंकि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया है उनकी मसावात में, जो कव्वाल है वो उस वक्त का इमाम है, वो उस वक्त का इमाम है, क्योंकि वो कॉल उनका दे रहा है, उनका दे रहा है। अगर मैं कॉल पढ़ता हुआ या कॉल बताता हुआ बेईमानी करूंगा तो मेरा अल्लाह मुझे देखता है। और देखो ये अल्लाह ताला ना फिर इसी तरह से इज्जत भी देता है, कि आवाज़ें बहुत सी अच्छी होती हैं, लेकिन जिस आवाज़ को लोगों के दिलों में अल्लाह उतार देता है। आपने देखा होगा बहुत दफ़ा कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो अगर आप उसकी खूबसूरती और नरमी उसमें शायद नहीं होती, लेकिन वो बस पढ़ते हैं या पढ़ती है और आपके और क्या पढ़ते हैं। और इसमें सदीक भाई, सदीक इस्माइल भाई के जिक्र, उनके जिक्र के बगैर बात नहीं हो सकती, इंशाल्लाह ताला वो भी हमारे साथ होंगे। अल्लाह ताला ने हमारी नज़र के मुताबिक शायद उनसे बहुत सी नेमतें ले ली, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उनको मकाम दिया, अल्लाह ताला ने जो उनको आजजी दी, जो आशिक बनाया और फिर जो आवाज़ दी और फिर हमारे साथ जो वो दिलों में आवाज़ उतर दी है, ये अल्लाह के मौजूदगी का बहुत बड़ा एहसास। सिद्दीक इस्माइल मैं तो उनको चचा बोलता हूँ, जरा माइक दीजिए उनका। और एक बात बताइए, एक बात बताइए, मैंने क्या कसूर किया है? आपने सिद्दीक इस्माइल की तारीफ कर दी है आपने, अमजद भाई मैं हूं ना आपकी, मैं भी हूं ना, मैं आपकी तो सबसे पहले तारीफ की, आप तो हमारी आपा हैं, आप सबसे पहले, आप इससे ज्यादा तो कोई दिल का करीबी रिश्ता हो नहीं सकता। बनने में जो फायदे हैं ना सिद्दीक इस्माइल साहब का पढ़ा हुआ कलाम, फिर आप लोगों का एक एक बात में एंड करना चाहूंगी कि बहुत अदब से हमेशा इस दस्तखान पे बिलाल भाई बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहे जाते हैं। आज मेरा बड़ा दिल है कि इस प्रोग्राम के इख्तिताम में बिलाल भाई अगर इजाजत है तो मैं एक छोटी सी बात कह दूं कि ये अशरा जो है मग़फ़रत का है, जहन्नुम से निजात का। आप जहन्नुम की निजात से, तो आप लोग भी अपने घरों में लोगों के लिए, दूसरों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, गरीबों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए दुआएं कीजिए। एहतिकाफ़ में जो लोग बैठे हुए उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो घरों में बैठ के इबादत करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सबकी मग़फ़रत की दुआएँ जो है वो रोज़ कीजिए, और हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। क्या पता किसकी दुआ जो है, बिल्कुल हम सबको इंशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और यहाँ पर अभी मैं भी जाऊँगा ना, तो मैं भी एक मैसेज दे दूँ इसी बात को लिंक करते जी, कि आप लोग चार चार जोड़े अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं, खरीदें, मना नहीं, आपने अल्लाह ने आपको दिया, लेकिन इर्द गिर्द भी दो बच्चे देख लीजिए जो नहीं पहन पाते, अच्छे आप उनके लिए एक दो जोड़ा खरीद लीजिए, आपकी ईद डबल हो जाएगी, जबरदस्त। अच्छा जी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है और हमारे सिद्दीक इस्माइल साहब का जिक्र हुआ था, तो उनकी पढ़ी हुई एक चीज मैं पढ़ रहा हूँ, और अदब से खड़े हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं
सलाम गुंबदे खजरा की ठंडी छाओ को सलाम वाले जो तवाफे रोजाए अनवर करे मस्त बेखुद झूमती गाती हवाओं जो मदीने की गली कूचों में देता है सदा कयामत उन फकीरों राहगीरों को सलाम अस्सलाम ऐ खुदा के ला प्यारे रसूल और ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सैयदी या रसूलुल्लाह रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वकना अज़ाबुल क़ब्र वकना अज़ाबुल हश्र वकना अज़ाबुल दायर वकना अज़ाबुल दारैन या रब्बुल आलमीन ये जो कुछ भी हमने पढ़ा जो कुछ भी हमने इस समा के प्लेटफॉर्म से बांटा या और बांट रहे हैं या अल्लाह इसमें कोई गलती और कोताही हो गई हो या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इसको माफ़ फरमा या अल्लाह अगर किसी शख्स से किसी आए हुए से हमारी किसी बात से किसी को कोई दिल पे बुरी लगी हो या गिरा गुजरी हो या अल्लाह हम उससे भी माफ़ी मांगते हैं या अल्लाह हम तुझसे भी माफ़ी मांगते हैं या अल्लाह इसको अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा या अल्लाह पाक ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं तेरी राह में हमारी इबादतें हमारे रोज़े या अल्लाह आखिरी अशरा शुरू हो गया है या अल्लाह हमें इस अशरे के सदक़े में माफ़ कर दे हम बहुत गुनाहगार हैं सियाकार हैं या अल्लाह पाक गुजारिश करूँगा बिलाल भाई से थोड़ी सी दुआ बिलाल